हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। वॉकिंग स्टार यस पर 800 करोड़ रुपए क्यों लगने वाले? KGF 4 और KGF 5 कब रिलीज होगी? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी करियर में। KGF चैप्टर 2 जिस नोट पर खत्म हुई वहां से देखने वालों को क्लियर जवाब नहीं मिला। रॉकी भाई पानी में गिरता है, मरते हुए नहीं दिखाया, डेड बॉडी नहीं दिखी। फिल्म आने के बाद लोग मानने को तैयार नहीं हुए कि रॉकी की कहानी खत्म। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे कि फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा। होम रिले फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर विजय ने दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि KGF 3 जरूर बनेगी, बस उस पर काम शुरू होने वाला है। उन्होंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर अभी प्रभास के साथ मिलकर सलार बना रहे। सलार 2023 में रिलीज होगी। फिल्म का काम पूरा होने के बाद ही प्रशांत KGF 3 पर बढ़ेंगे। अभी फिल्म की कहानी फाइनल नहीं हुई है। विजय के अनुसार या तो 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू की जा सकती है या फिर 2025 में। उन्होंने ये भी बताया कि KGF को वो फ्रेंचाइजी में तब्दील करना चाहते हैं। फिल्म के पांचवें पार्ट के बाद रॉकी का किरदार बना रहेगा, बस एक्टर बदलते रहेंगे। ऐसा ही हम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखते हैं। शंकर यस के साथ एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म का बजट 800 करोड़ रुपए रखा गया है। शंकर ने लार्जर देन लाइफ सिनेमा को अपने ढंग से प्रभाषित किया है। यस वाली फिल्म को भी वो ओवर द टॉप ले जाने का प्लान कर रहे हैं। रॉकिंग स्टार यस ने 2022 में सिनेमा घरों को कपकपा दिया था। उनके पिता कर्नाटक में रोडवेज बस पर काम करते थे। खुद को एक्टर बनना था, एक हीरो, एक चमचमाता स्टार। घर छोड़कर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, झाड़ू पोछा सब किया ताकि स्टेज पर एक्टिंग करने को मिले। थिएटर ग्रुप छोड़ा, टीवी शोज में एक्टिंग शुरू किया, टीवी में काम मिलने लगा, नाम कमाया, उसे चमकाने का वक्त आया। टीवी से फिर फिल्मों में छलांग लगाई, एक्शन, रोमांस, सब किस्म की फिल्में की। फाइन भरे सॉलिड वाले जिन्होंने रॉकिंग स्टार की उपाधि से नवाजा। फिर आई वो फिल्म जो उन्हें अर्श तक ले गई। साल 2018 21 दिसंबर की तारीख KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। यस का करियर उसके बाद कभी सेम नहीं रहा। KGF चैप्टर 1 और 2 ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा का ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा का स्टार बना दिया। इन फिल्मों के बाद लोगों में उत्सुकता बन गई कि यह सब क्या करने वाले। जाहिर तौर पर उन पर भी प्रेशर बना होगा कि ऐसी फिल्में चुने जो उनके फैन बेस को निराश ना करे। यस की KGF से भी बड़ी फिल्में आने वाली जैसे कि यस 90, शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण की महाभारत। आऊंगा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। समय भारत का मुंबई शहर संकट में था। हाल के वर्षों में आबादी में विस्फोट हुआ था। अधिक से अधिक लोग नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर आ रहे थे, लेकिन शहर के बुनियादी ढांचे और संसाधन बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि शहर कई समस्याओं से ग्रस्त था। यातायात एक निरंतर सपना बना हुआ था जिसमें सड़कें और राजमार्ग कारों और बसों से अटे पड़े थे। सार्वजनिक परिवहन भीड़भाड़ ऐसा था जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। घरों शहर में गरीबी, भुखमरी, चोरी, लूट आम हो गई, और इन सब के बीच में से जो निकला वो था खरा सोना।
उस समय भारत की चहल पहल भरी सड़कों पर सोने की तस्करी का फलता फूलता काला बाजार था। भारत में रॉकी को एहसास होने लगा कि उसका गांव गरीबी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सबसे समय के गुजरते रहने के साथ रॉकी सोने की तस्करी के इस गिरोह का सरगना बन गया। रॉकी और उसकी तस्करों की टीम ने सोना मढ़वाया, मूर्तियों, गहनों और यहां तक कि खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न रूपों में सोने को छिपाकर भारत से बाहर सोने की तस्करी शुरू कर दी। तस्कर सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देकर भारत से तस्करी का सोना प्राप्त कर रहे हैं, जो अवैध आयात पर आंखें मूंद लेते थे। इसके बाद वे धनी खरीदारों को सोना बेच देते थे, जो कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार उसे पुलिस ने पकड़ लिया और अपने अपराधों के लिए जेल भेज दिया। लेकिन सलाखों के पीछे भी वो शहर में एक किवंदती बना रहा था। उन्हें सोने की तस्करी का दोषी ठहराया गया और लंबी जेल की सजा भी सुनाई गई। लेकिन रॉकी अभी भी हाथ नहीं आया। कहानी दोस्तों हो सकती है KGF 3 में, तो आप हमें बताइए कि आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। टुल्स को मारने का इशारा माफिया लकी लुसियानो ने दे दिया। लुई बुशाल्टर को ऑर्डर दिया गया कि जाओ डचमैन को मार डालो। अपने इस काम को पूरा करने के लिए लुई ने दो मर्डरर्स को न्यू जर्सी बेस्ड एक रेस्टोरेंट में भेजा। शुल्स बाथरूम गया हुआ था, तभी दो मर्डरर्स चार्ल्स और इमैनुअल रेस्टोरेंट में घुसे और शुल्स पे गोली चला दी। चार्ल्स और इमैनुअल रेस्टोरेंट के पीछे वाले कमरे से अंदर घुसे और शुल्स की गैंग पे कई बार शूट किया। गोली लगने के एक ही बार में ऑटो ढह हो गया। अबे के नेक से गोली पास होने की वजह से उसकी कैरोटिड आर्टरी टूट गई। वहीं शुल्स के बॉडीगार्ड पे चार्ल्स और इमैनुअल ने कई बार फायर किया, लेकिन अपनी इंजरीज के बावजूद शुल्स के आदमियों ने मर्डरर्स पे फायर बैक किया और उन्हें रेस्टोरेंट के बाहर निकाला। इमैनुअल भागते हुए गाड़ी पे बैठ गया और ड्राइवर को ऑर्डर दिया कि चार्ल्स को छोड़कर यहां से चलो। अभी चार्ल्स के पीछे भागा और उस पे अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां खाली कर दी, लेकिन अबे का निशाना चूक गया। चार्ल्स के भाग जाने के बाद अबे वही पड़ी ट्रैश कैन के पास गिर गया। शुल्स बाहर आकर एक चेयर पे बैठ गया। शुल्स ने आवाज लगाई ताकि कोई उसकी आवाज को सुने और उसके लिए एम्बुलेंस बुला लाए। शुल्स का बॉडीगार्ड बर्नार्ड अपने पैरों पे खड़ा हुआ और ऑटो जो कहीं छुपा था उसे कॉइन मांगा ताकि बर्नार्ड उसका इस्तेमाल कर एम्बुलेंस को कॉल कर सके। एम्बुलेंस को कॉल करने के तुरंत बाद ही बर्नार्ड अपना होश खोकर जमीन पे गिर गया। जब पहली एम्बुलेंस आई तो डॉक्टर्स ने कहा कि अबे और बर्नार्ड सीरियस कंडीशन में है और उन्हें जल्द से जल्द नेवार्क हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। इसके बाद सेकेंड एम्बुलेंस बुलाई गई जिस पर शुल्स और ऑटो को हॉस्पिटल भेजा जाना था। सुबह 6 बजे अबे की एक्सेसिव ब्लीडिंग से मौत हो गई। बर्नार्ड को जब सर्जरी के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर उसे देख इतना ज्यादा हैरान था कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बर्नार्ड अपनी बॉलिस्टिक ट्रॉमा और खून की कमी के बावजूद जिंदा कैसे था। 1941 में चार्ल्स पे शुल्स को मारने का आरोप लगा। डच शुल्स के मर जाने के बाद किसी को ये पता भी नहीं चला कि आखिर उसने अपने पैसों को कहां छुपाया था। तो ये थी जर्मन ज्यूइश माफिया डच शुल्स की कहानी। डच जैसे खतरनाक कैरेक्टर को हम KGF 3 में शायद देख सकें, क्योंकि इस तरह का एंटेगनिस्ट कहानी में एक नई एनर्जी, एक नया मोड़ ले आएगा। तो आप हमें बताइए कि आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? ये मूवीज हो सकती हैं KGF यूनिवर्स का पार्ट। कौन कौन से विलन होंगे KGF यूनिवर्स में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF यूनिवर्स में हुई नई एंट्री। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। KGF यूनिवर्स बन रहा है, ये मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है, तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि इस KGF यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज और कौन कौन से विलन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो।
तो बात करूं केजीएफ यूनिवर्स की मूवीज की, तो शुरुआत होती है केजीएफ चैप्टर 1 से, जहां हमें मेन हीरो में हमें रॉकी भाई दिखते हैं और मेन विलन में गरुड़ा। और मुझे गरुड़ा के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो बेचारा रॉकी को बिना देखे ही मर गया। और ये फिल्म इतनी तगड़ी थी कि इसकी वजह से चैप्टर 2 को इतनी हाइप मिली। चैप्टर 1 के बाद आते ही चैप्टर 2, जिसमें भी मेन हीरो रॉकी ही थे। और इस मूवी में तो विलन्स की कोई कमी थी ही नहीं, मतलब अधीरा, रमिका सेन, गुरु पांडियन, इनायत खलील और शेट्टी, जिसमें से सिर्फ रमिका सेन और इनायत खलील ही जिंदा बचे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ 3 में भी इन्हीं के सीन्स काफी ज्यादा होंगे। अब केजीएफ 2 ने लिटरली इतिहास बना दिया है। और इस मूवी का कंपैरिजन हम किसी भी देसी मूवी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका लेवल तो हॉलीवुड का है। अब केजीएफ चैप्टर 2 के बाद आती है सलार, जिसमें हमें हीरो के तौर पर प्रभास नजर आएंगे और विलन के तौर पर जगपति बाबू। और इनके अलावा मूवी में हमें पृथ्वीराज भी दिखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक फैंस को जो भी थ्योरी जो फैंस सोच रहे हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर, वो अब धीरे धीरे सच होती हमें दिखाई दे रही है। मतलब हम फैंस कितने क्रिएटिव हैं, हम सब ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर ली थी। अब सलार के बाद नाम आता है बघीरा का, जिसमें मेन हीरो होंगे श्री मुरली। और इस फिल्म के विलन का अभी कुछ नहीं पता है। अब यहीं से समझने वाली बात यह है कि श्री मुरली का बघीरा का करेक्टर हीरो का होगा, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में वो विलन होंगे क्योंकि बघीरा मूवी में हमें बघीरा का इंट्रोडक्शन दिखाया था कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे पुलिस ऑफिसर हैं। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर हैं, इसका मतलब वो रॉकी भाई के दुश्मन ही हुए क्योंकि रॉकी और पुलिस का 36 का आंकड़ा है और इसीलिए हम फैंस के लिए ये तो बुरे ही होंगे। अब यहाँ तक कि मूवीज के बारे में ये भी सही है और ये भी पता चला है कि असली खेल शुरू होता है अब। बघीरा के बाद जिस मूवी का नाम आता है वो नाम है रिचर्ड एंथनी, जिसने इस मूवी का अनाउंसमेंट टीजर देखा है। वो जानता है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी भी केजीएफ से जुड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी से हमें रॉकी के जिंदा होने या ना होने का कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये मूवी केजीएफ से जुड़ेगी या नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। रिचर्ड एंथनी के बाद नाम आता है जूनियर एनटीआर की, एनटीआर 31 का, क्योंकि इस फिल्म के पोस्टर में जो लोग एनटीआर का है वो प्रभास की सलार में मिलता जुलता ही हमें दिखाई दे रहा है। और जब से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है तभी से ही फैंस केजीएफ यूनिवर्स के पार्ट का मन बना लिया है। अब फैंस ने इस मूवी के लिए मतलब केजीएफ का पार्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस मूवी में मेकर्स में प्रशांत नील का नाम आया है। और इन सब मूवीज के बाद नाम आता है केजीएफ चैप्टर 3 का नाम, यानी कि केजीएफ का एंड गेम, जिसमें हमें यश, प्रभास, पृथ्वीराज और प्रोबेबली एनटीआर देखने को मिलेंगे। और इन हीरोज के सामने होंगे बड़े बड़े विलन, जिनमें रमिका सेन और इनायत खलील सबसे बड़े विलन होंगे। अब जहां तक हमें पता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा, तो देखो चैप्टर 1 में बॉम्बे दिखा था, चैप्टर 2 में हमें इंडिया दिखा था और चैप्टर 3 में पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा। और हो सकता है कि केजीएफ 3 के बाद इन सब करेक्टर्स की पर्टिकुलर मूवी आए, जैसे मार्वल और डीसी में होता है। तो ये थी केजीएफ यूनिवर्स की मूवीज में कुछ मूवीज, हमें पता है लेकिन बाकी अभी भी कुछ कह नहीं सकते। माँ और बेटे का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जहाँ एक तरफ माँ अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियाँ उसकी झोली में लाकर रख देना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा ये सोचता है कि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपनी माँ को हर तरह के सुख सुविधाएं दे पाए। ऐसी एक कहानी है भारत के कर्नाटक राज्य की, जहाँ एक बच्चा बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह खुद का खर्चा चलाती है। जब उसका बच्चा अपनी माँ को दिन रात इतनी मेहनत करते हुए देखता है तब वो बहुत दुखी होता है और सोच में पड़ जाता है कि उसकी माँ को उसके पालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तब ये बच्चा ठान लेता है कि वो अपनी माँ को इस दुख भरे जीवन से बाहर निकाल कर रहेगा। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है रॉकी।
रॉकी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। रॉकी अपनी माँ से वादा करता है कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा और दुनिया पर राज करेगा। रॉकी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और रॉकी से कहती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू एक दिन इस दुनिया का अमीर आदमी बन जाएगा। रॉकी ने अपनी माँ से वादा तो कर लिया और रॉकी अपनी बात का भी पक्का है, पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे अपना वादा पूरा करेगा और कैसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। बचपन से ही गरीबी में पलने के कारण रॉकी पढ़ाई नहीं कर पाता है। रॉकी एक दुकान में काम करने लगता है और यहाँ से उसको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे ऐसे काम के लिए सलाह देते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है, और वो लोग ही रॉकी को बोलते हैं कि जितना रिस्क लोगे उतना ही पैसा मिलेगा। बस रॉकी को ये क्लू मिल गया और वो आगे बढ़ता ही चला गया। अब रॉकी जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो समझ रहा था कि उसको क्या करना है और कैसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। रॉकी की माँ मजदूरी करती थी जिसके कारण रॉकी को कुछ ऐसी जगह के बारे में पता चलता था जहाँ पर भारत का ज्यादातर सोना पाया जाता है। रॉकी ने इस सोने की खदान का पता करने के लिए एक सीक्रेट मिशन बनाया। इस मिशन में रॉकी मेन भूमिका में रहता है। रॉकी का मिशन है कि सारे सोने को अपने कब्जे में करना। रॉकी कर्नाटक के कोलार जिले का अच्छी तरह से पता लगाता है कि कहां कहां पर सोना है और इस सोने को बेचकर वो कैसे पैसे कमा सकता है। एक तरफ पुलिस रॉकी को पकड़ने का प्लान बनाती है और दूसरी तरफ रॉकी को सोना बेचने का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। रॉकी अपने इस ऑर्डर को लेकर बहुत खुश भी होता है, पर साथ ही साथ वो ये जानता है कि इस ऑर्डर को सक्सेसफुली सेल करना इतना आसान नहीं रहेगा, तो रॉकी अपने वफादार लोगों को ही डील में शामिल करता है। रॉकी पूरा प्लान बना लेता है इस सोने को बेचने का और धीरे धीरे वो सोना बेचकर अमीर हो जाता है। रॉकी अमीर तो हो गया है और अब वो आगे बढ़ता ही चला जाता है और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है। रॉकी ने कर्नाटक से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी जान पहचान बना ली। अब तक सब रॉकी के प्लान के मुताबिक हो रहा था और रॉकी अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश था। पर दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रॉकी की तरक्की इतनी तेजी से हुई जिसकी भनक अब पुलिस को लग चुकी थी। रॉकी के बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे और अब रॉकी को हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना था। एक तरफ पुलिस रॉकी को पकड़ने का जाल बनाती है और ट्रक निकलने से पहले ही रॉकी अपने एक आदमी को पुलिस के पास भेज देता है और वो आदमी पुलिस को जाकर बोलता है कि वो रॉकी का सारा राज आपको बताने आया है। पुलिस समझ नहीं पाती है कि ये ऐसा यहाँ क्यों आया है रॉकी का राज बताने, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब वो आदमी बोलता है कि रॉकी ने उसको धोखा दिया है। उसने कहा था कि वो उसके सोने बेचने के बाद उसको 40% देगा, पर बाद में रॉकी ने उसको देने से साफ इनकार कर दिया। तो पुलिस को लगता है कि शायद ये आदमी सच बोल रहा है और पुलिस उसकी बातों में आ जाती है। अब वो आदमी पुलिस को वो सारे गलत एड्रेस देती है जहां से असली सोना नहीं जाने वाला है। पुलिस पूरी टीम के साथ तैनात है और हर उस अड्डे पर पहुंच जाती है जहां पर उस आदमी ने उसे बताया था, और पुलिस को नकली सोने वाला ट्रक मिल जाता है और असली सोना जंगल के रास्ते से निकल जाता है। कुछ ही देर में पुलिस जान जाती है कि ये नकली सोना है और अब पुलिस उससे सच उगलवाने के लिए उसको खूब मारती है, पर असली सोना कहाँ जाने वाला है ये किसी को नहीं पता होता, रॉकी और उसके वफादार साथी के अलावा। तब पुलिस समझ आती है और हर राज्य की पुलिस को अलर्ट करके इनके ट्रक को पकड़ने का ऑर्डर देती है और पुलिस इस मिशन में लग जाती है। पर पुलिस रॉकी को पकड़ नहीं पाती और वो भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी मिलती जुलती कहानी हो सकती है फिल्म KGF 3 की। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1930 से। कामदेव अब रॉबिन हुड बन चुका था, जिसे चाहता वो विधायक बना देता था। एक समय वरिष्ठ पत्रकार फसल अहमद ने भी उनके बारे में लिखा कि कामदेव के आशीर्वाद से एक चूहा भी विधायक बन सकता है, लेकिन जिसने कामदेव को चुनौती दी उसकी जिंदगी के गिने चुने दिन ही वो जिंदा रह सकता है। कामदेव काफी चर्चा में आ चुका था, अंडरवर्ल्ड में भी अब कामदेव का काफी नाम था। कामदेव का साम्राज्य बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल चुका था। दोस्तों, एक समय की बात है, SM दास गुप्ता कलेक्टर, जो कि जयपुर में रहा करते थे, उन्होंने कामदेव के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की।
तब कामदेव ने नवंबर 1977 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। कामदेव का उसमें इतना दबदबा था कि हीरो और हीरोइंस भी उनके जानकार बन चुके थे और उनकी छत्र छाया में रहा करते थे। एक समय वरिष्ठ पत्रकार जो कि बॉलीवुड की पत्रकारिता करते थे वो कामदेव का इंटरव्यू लेने आए। उस पत्रकार को जाने में थोड़ी देरी हो चुकी थी तो कामदेव से वो कहने लगे कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे जल्दी चलना चाहिए। तब कामदेव ने उससे कहा कि आप बैठे रहिए, हमारे बिना ना यहाँ एक भी पत्ता नहीं हिलता है, ये तो फिर ट्रेन है। तब उनके कहने पर पत्रकार ने उनका इंटरव्यू पूरा किया और जब वो स्टेशन पर जाकर देखता है तो बरौनी स्टेशन पर ही उनकी ट्रेन रुकी रहती है। जब तक पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रहा था तब तक, इससे पता चलता है कि कामदेव की कितनी पावर थी उस समय। 1970 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो बिहार में राम सुंदरम दास की सरकार बहुमत में होने के बावजूद अपदस्थ कर दी जाती है। दोस्तों उस समय के गृह मंत्री जब बिहार में आते हैं तो वो बिहार के राज्यपाल को कहते हैं कि मुझे कामदेव जिंदा या मुर्दा चाहिए, इसके लिए वो 10,000 की राशि देने को भी तैयार है। उस समय के गृह मंत्री कामदेव से काफी नफरत किया करते थे। उस समय जगन्नाथ मिश्रा की सरकार आई और एसपी रणधीर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई जिसे बेगूसराय भेजा गया और सीआरबी टीम बेगूसराय आई और 18 अप्रैल सन 1980 की सुबह को पटना हेडक्वार्टर में वायरल संदेश आता है कि कामदेव बेगूसराय में है। कामदेव ने बेगूसराय में एक ठेका लिया होता है, वह उस ठेके को देखने जाता है। सीआरपीएफ की टीम बेगूसराय को 3 रास्तों से घेर लेती है, चौथा रास्ता वहां पर गंगा नदी का होता है। कामदेव खुद को बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। जब कामदेव गंगा नदी में कूद ही रहा होता है तभी एक ऑफिसर उनकी पीठ पर गोली मार देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और उनके परिवार को बुलाया जाता है। और उसके परिवार वाले जब बॉडी को पहचानते हैं तो पुलिस को यकीन हो जाता है कि सच में अब कामदेव की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ ऐसी हो सकती है केजीएफ 3 की कहानी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। शाहरुख खान की मूवी पठान में शाहरुख खान ने कहा था कि मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो जाइए और सबने इस मेहमान नवाजी का लाभ भी उठाया और कहने लगे वाह क्या जबरदस्त मूवी है, हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, सबके होश उड़ाए जा रहा है। मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि एक हफ्ते में मूवी 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है, तो इसी के चलते अब पता चलता है कि 4 दिनों में मूवी ने 221 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई अपने नाम की है। अब सोचिए 4 दिन में ये हाल है तो एक हफ्ते में 300 करोड़ तो मिल ही जाएगा या उससे भी ज्यादा। अभी इसी के चलते सलमान खान की बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है और सुल्तान की एक हफ्ते की कमाई को भी पठान क्रॉस करने वाली है। इतना ही क्यों, यशराज के स्पाई यूनिवर्स की धमाकेदार मूवी वॉर को भी पठान ने पीछे छोड़ दिया है। ये सब सुनकर तो किंग खान का डायलॉग बोलने का मन कर रहा है, अब पठान को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे क्या आपको पता है कि शाहरुख खान यूनिवर्स फैन क्लब ने ट्विटर पर एक बात शेयर की है और कहा है कि उनकी मुंबई टीम ने 125 पैरामेडिक नर्सेस जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान सभी का ख्याल रखा, इमरजेंसी में सबकी मदद की, उनके लिए एक जबरदस्त काम किया है। उन सारी नर्सेस के लिए सिनेमा हॉल में फ्री टिकट्स, खाना और ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स का इंतजाम कर दिया गया है, ये उनके लिए एक ऑनर की बात है। और नर्सेस को लेकर एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया गया है जहां ये सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ये मूवी देखने के लिए बहुत से लोगों ने थिएटर में भीड़ जमा की और जब थिएटर से बाहर आए तो सबके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी, मूवी ब्लॉकबस्टर है, लोकेशन से लेकर कोरियोग्राफी तक सब कुछ A1। अब पठान को इन तारीफों के अलावा और क्या चाहिए बॉस, पठान के बारे में क्या क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, पर सुर्खियों का सिलसिला चलता रहेगा और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, तो बने रहे बॉलीग्राफ स्टूडियो के साथ। थैंक यू। बच्चों को अगर बचपन में सही दिशा ना मिले तो उनका मार्ग भटकना तय होता है, शायद इसीलिए कुछ माता पिता अपने बच्चों के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कुछ अपने बच्चों को लेकर थोड़ा लीनियंट होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने स्कूल में मात्र 14 साल की उम्र में ही अपने टीचर को पीट दिया था, जी हाँ, जिसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया और यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक इतिहास बनने की कहानी। इस बच्चे का नाम था अल कपोन।
अल कैपोन एक ऐसा नाम है जिससे अमेरिका के लोग आज भी कांपते हैं। अमेरिका में 1920 से 1933 तक शराब के किसी भी प्रोडक्ट पर बैन था। इस समय शराब को ना तो बेचा जा सकता था और ना ही बनाया ना ही मंगाया। यही समय था जब कैपोन ने अपराध की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, दरअसल स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद कैपोन ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख दिया। और इसी दौरान कैपोन को मौका मिला जॉनी टोरियो के अवैध धंधे में शामिल होने का। टोरियो के कहने पर ही कैपोन शिकागो गया और अब कैपोन टोरियो के कहे अनुसार ही आगे बढ़ते गया। और कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि उसके कहने पर कैपोन ने कुछ लोगों की हत्या भी की थी और उसके बाद वो टोरियो का राइट हैंड बन गया और ऐसे ही करते करते वो एक अमेरिकी गैंगस्टर बन गया। अमेरिका में जो भी इस गैंग के खिलाफ जाता उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। जी हाँ, अल कैपोन को स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता था। कैपोन का नाम स्कारफेस इसलिए पड़ा क्योंकि एक दिन हॉवर्ड में उसकी एक अपराधी से किसी बात पर बहस हो गई थी और वो बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई थी। कैपोन बहुत ही गुस्से वाला था और उसको जरा सी बात पर भी भयंकर गुस्सा आ जाया करता था और इसी गुस्से के कारण ये मारपीट काफी हद तक बढ़ गई और इसी दौरान उसको चोट लग गई। चोट का निशान उसके फेस पर था जिसके बाद लोग उसे स्कारफेस नाम से बुलाने लगे थे। धीरे धीरे ये नाम उसकी पहचान बन गया और लोग अल कैपोन को स्कारफेस के नाम से बुलाने लगे। दोस्तों, जुर्म कैसा भी हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबका अंत तो होता ही है। ऐसे ही कैपोन के जुर्मों का भी अंत हुआ जब अमेरिका पुलिस ने इस गैंग के खिलाफ सबूत बटोरा और उसको सजा दिलवाई। दोस्तों, ये मुकदमा टैक्स चोरी से भी रिलेटेड था जिसकी वजह से उसको 11 साल की सजा हुई। जेल से आने के बाद वो अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में रहने लगा और वहीं एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ऐसे ही कहानी को लाने का प्रयास किया जाएगा KGF चैप्टर 3 मूवी के माध्यम से, जहां गैंगस्टर की कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। कि ऐसी मूवी कि जिसने सबको चौंका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए KGF 3 अब आ रही है। बता दें कि KGF चैप्टर 1 एंड 2 के सारे डब्ड वर्जन को भारत में एक साथ रिलीज किया गया था, साथ ही काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजुअल और ट्रेलर देखने के बाद ये किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही थी। KGF फ्रेंचाइज को लेकर नॉर्थ साइड में ज्यादातर लोग इसीलिए भी उत्सुक है क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे कि वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत करते हैं। हालांकि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलुगु में शूट की गई थी और KGF पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में शूट की गई थी। अब की बार भी KGF 3 को कन्नड़ में बनाया जाएगा लेकिन हिंदी में भी इसे शूट किया जाएगा। फिल्म KGF फ्रेंचाइज से लोगों की उम्मीद जितनी ज्यादा थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद लोगों को KGF 3 से है क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलग लेवल सेट कर दिया है और क्योंकि फिल्म अब इंटरनेशनल लेवल पर बन रही KGF चैप्टर 1 एंड 2 फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम की टीम के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या KGF 3 बाकी ही फिल्मों की तरह हिट हो पाएगी या नहीं? सलीम कैसे बन गया गैंगस्टर? मिर्जा, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, एक तमिल मुस्लिम था और 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत में अंडरवर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। उसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने बॉम्बे में एक डॉक वर्क के रूप में अपराध शुरू किया। वो जल्दी से शहर के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के रैंकों के माध्यम से ऊपर उठते हुए तस्करी, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होता गया। अपने चरम के दौरान उसने मुंबई हार्बर में सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी की नियंत्रित किया। वो अपने परोपकार और धर्मार्थ कार्यों के लिए भी जाना जाता था, खासकर मुस्लिम समुदाय में। उसने स्कूलों, मस्जिदों का निर्माण किया और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की, जिससे उसे खूब ख्याति यानी फेम मिला।
1970 के दशक में सलीम ने खुद को आपराधिक गतिविधियों से दूर करना शुरू कर दिया और एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में वैध व्यवसाय में प्रवेश किया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य भी बना और राजनीतिक गतिविधियों में लोकप्रिय था। रियल एस्टेट डेवलपर बनना तो बस दिखावा था, बाकी मेन काम उसका स्मगलिंग कराना ही था। सलीम के पास कई घुड़दौड़ के घोड़े थे, वो खुद भी घुड़सवारी करता था, बस मुंबई रेसिंग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था और अक्सर रेस कोर्स में भव्य पार्टियों की मेजबानी करता था। सलीम का जीवन और आपराधिक करियर भारत में कई किताबों और फिल्मों का विषय रहा है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि इन फिल्मों में उनका चित्रण पूरी तरह से सटीक नहीं था और इसे उसके जीवन के सही प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपराधी कितना भी धार्मिक काम क्यों न कर ले, उसका अपराध छुपाया नहीं जा सकता। पुलिस ने कई कोशिशें करी सलीम के खिलाफ सबूत जुटाने के, उसके काले धंधे को बंद करने की, पर उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई, क्योंकि सलीम एक धर्म कर्म करने वाला मसीहा बन गया था और पब्लिक का अटूट सपोर्ट होने की वजह से सारे सबूत फीके पड़ जाते थे। जब भी पुलिस कुछ सबूत पेश करके उसको गिरफ्तार करती, पब्लिक सड़कों पर आ जाती थी और इतना पॉलिटिकल प्रेशर बन जाता कि वो हर बार छूट जाता। 1994 में मुंबई में उनके आवास पर उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर व्यापक शोक मनाया गया और हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अपने आपराधिक अतीत के बावजूद उसे मुसलमानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है जो गरीबों की मदद करता। अभी कुछ ही महीनों से ऐसी ही गैंगस्टर की एक कहानी आपको केजीएफ चैप्टर 3 में देखने को मिलने वाली है। ये कहानी है एक मिडिल क्लास आयरिश अमेरिकन फैमिली के जेम्स माइकल सी की। जेम्स माइकल सी का जन्म 21 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके पिता जॉन माइकल एक अकाउंटेंट थे जो कि टैक्स ऑफिस में काम करते थे। जेम्स माइकल सी अपनी एक गैंग बनाने लगा और वो एरिया में अपनी पहचान भी बनाने लगा। लेकिन इसी बीच 1960 में जेम्स सी को लोकल क्राइम के चलते 10 साल की सजा हो जाती है। जेल में रहकर जेम्स माइकल सी बहुत कुछ सीखता है। जेल से निकलते ही जेम्स ने अपने आदमियों के साथ 10th एवेन्यू के 596 क्लब को टेक ओवर कर लिया। फिर 1977 में एडी कमिस्की की हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद जेम्स माइकल सी अब एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो कमिस्की की तरह उसका साथ हमेशा दे दिए। जेम्स सी गैबिनो फैमिली के साथ अलायंस बनाता और सभी इटालियंस के साथ सोशलाइज होना शुरू कर देता। इसी तरह से एक आदमी रूबी स्टेन की नज़र कूनन पर पड़ती है। रूबी स्टेन को शार्क टू द स्टार्स की तरह जाना जाता था। उसने जेम्स माइकल सी को अपने सबसे करीबी लोगों में शामिल कर लिया था। जेम्स सी के लिए न्यूयॉर्क सिटी के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाने के लिए ये सबसे अच्छा और सबसे अलग मौका था। जैसा कि उसने एडी कमिस्की के साथ किया था ना, उसी तरह उसने रूबी स्टेन की बॉडी पार्ट्स को काट कर एक प्लास्टिक बैग में डालकर उन्हें नदी में फेंक दिया। लेकिन रूबी स्टेन की मर्डर में वो गलती करते हैं। जब उसकी बॉडी को काट कर नदी में फेंकते हैं तो रूबी स्टेन के नीचे का शरीर क्वींस ऑफ रॉकवेल बीच पर काटते हैं। पुलिस उस टॉर्सो को देखकर ये पता लगाने में लग जाती है कि आखिर ये नीचे वाला हिस्सा यानी शरीर का नीचे वाला हिस्सा कहाँ पर है। और कुछ समय बाद एक ऑपरेशन की वजह से पता चलता है कि ये रूबी स्टेन की डेड बॉडी है। लेकिन पुलिस इस मर्डर को वेस्टीज के साथ ऑफिशियली लिंक नहीं कर पा रही थी और पुलिस इस मर्डर की जांच करती है और जेम्स सी और फेदरस्टोन को 5 साल की जेल में बंद कर दी। तो दोस्तों, ऐसी ही मिलती जुलती कहानी हम देख सकते हैं आने वाली फिल्म KGF 3 में। अमेरिका हमेशा से ही एक शक्तिशाली देश रहा है। यहाँ के लोग और टेक्नोलॉजी भी ना हमेशा से काफी एडवांस रही है, पर कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अमेरिका भी एक तरफ तो अपने पड़ोसी देश से हर चीज में आगे था और ताकतवर भी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ना जुर्म की एक अलग ही दुनिया बन रही थी। वो वक्त था 1980 का, जब अमेरिका और अन्य देश द टेफ्लॉन डॉन के नाम से ना कांप उठते थे। जॉन गॉटी, जिसे द टेफ्लॉन डॉन के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी डकैत और न्यूयॉर्क शहर में गैम्बिनो अपराध का बॉस था। उसका जन्म 1940 में ब्रॉन्क्स में हुआ था। उसने पहले तो एक सड़क गिरोह के सदस्य के रूप में अपना आपराधिक करियर शुरू किया और बाद में संगठित अपराध में शामिल हो गया। गैम्बिनो अपराध के माध्यम से ना गॉटी तेजी से ऊपर उठा
और 1980 के दशक तक ना वो बॉस बन गया। वो अपने तेज तरार व्यक्तित्व के लिए जाना चाहता था और उसे ना अक्सर महंगे सूट और गहने पहने देखा जाता था। उसे दृढ़ विश्वास से बचने की ना उसकी क्षमता के लिए भी जाना जाता था, जिससे उसे द टेफ्लॉन डॉन उपनाम मिला। गौटी जो विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें जबरन वसूली, लोन शार्किंग और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी, वो अपनी हिंसक राजनीति के लिए भी जाना जाता था और ऐसा कहा जाता है कि उसको प्रतिद्वंदी गैंगस्टरों और मुखबिरों की ना कई हत्याओं का आदेश दिया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गौटी की कहानी साथ ही अन्य गैंगस्टरों की कहानी को ना अक्सर लोकप्रिय मीडिया में ना रोमांटिक या फिर काल्पनिक तरीके से चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन हिंसा और अपराध से ही भरा हुआ होता है। अपनी आपराधिक गतिविधियों के अलावा जॉन गौटी को उसकी सार्वजनिक छवि यानी कि पब्लिक इमेज और जिस तरह से उसको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया ना, उसके लिए भी जाना गया। वो अक्सर अपने परिवार और सहयोगियों के साथ ना आराम से घूमते हुए दिख जाता था, जैसे उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। वो अपनी आकर्षक अलमारी और महंगे गहनों के लिए भी काफी फेमस था। दुनिया में अपनी एक इमेज और लाख पहचान होने के बावजूद भी फाइनली वो दिन भी आया जब अमेरिका की पुलिस ने 1992 में गौटी की गिरफ्तारी की और दोषी ठहराया। अमेरिकन पुलिस ने वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद गौटी का बचनाना इम्पॉसिबल था और ऐसा ही हुआ भी। गौटी को सजा मिली और अंत में गैम्बिनो अपराध का ना पतन हो गया और इसके कई सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मार दिया गया। FBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ना संगठन को कमजोर करने और इसके कई सदस्य को न्याय के कटघरे में लाने में सफल रही। अमेरिका का लॉ ना बहुत ही पावरफुल रहा और यहाँ पर एक बार अगर पुलिस के हाथ पड़ गए तो मतलब फांसी पर चढ़ना। अमेरिका जैसा देश जुर्म के खिलाफ बहुत सख्त है, एक सुराख और काम खत्म। ऐसा सिस्टम ना हर देश में होना चाहिए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि KGF 3 आने वाली है, तो उसमें आपको ऐसे ही किसी गैंगस्टर की कहानी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दिखने में इतना मासूम और सीधा साधा लगता था ना कि उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी असल में ना एक रूथलेस मर्डरर है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जोसेफ गिलिस है। लेकिन जोसेफ गिलिस इन सबसे डरने वाला भागी था, जिसके बाद वो अवैध शराब की बिक्री करने लगता है। उस समय ना इस बिजनेस में बहुत पैसा था। इसके साथ ही वो स्टैंडर्ड ऑयल स्टेशन में भी काम करता है। उस ऑयल स्टेशन में इलाके के ना कई लोकल चोर काम किया करते थे। 2 साल के अंदर ही जोसेफ और उसकी गैंग ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने लगती है, जिसकी शुरुआत वो आर्म्ड रॉबरी से करते हैं। 6 जनवरी 1930 को जोसेफ और उसकी गैंग एक मैगजीन एग्जीक्यूटिव के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उनके घर से करीब $3 मिलियन की ज्वेलरी चुराते हैं। और इस चोरी के बाद से ही ना उन्होंने कई और चोरियां की। लेकिन अभी भी जोसेफ का मन नहीं भरा था। उसने डिसाइड किया कि अब वो ना कुछ बड़ा करेगा। 21 अप्रैल 1930 को जोसेफ ने पहली बार बैंक रॉबरी की, जिसमें उसने करीब $4,000 चुराए। इस चोरी ने ना जोसेफ की हिम्मत और बढ़ा दी। इसके बाद ही ना उसने लगातार कई बड़ी चोरियां की, लेकिन उनका ये कम्फर्ट ना ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। नवंबर 1931 तक गैंग के कई मेंबर्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद जोसेफ को ना 1 साल की जेल की सजा हो जाती है। जोसेफ गिलिस टूही गैंग नाम की एक क्रिमिनल गैंग से भी जुड़ता है और जो कि शिकागो में ना क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देती है। जब जोसेफ जेल से बाहर आता है तो वो इसी गैंग के कॉन्टैक्ट से सोसालिटो कैलिफोर्निया पहुँचता है, जहाँ वो एक बूटलेगर की तरह काम करना शुरू कर देता है। वही उसकी मुलाकात जॉन पॉल चेस और पैट्सो नेग्री से होती है, जिसके बाद उनके साथ मिलकर ना वो कई चोरियां करता है। उन्होंने जोसेफ को अपनी गैंग का लीडर बना दिया। अब जोसेफ गिलिस अपनी गैंग के साथ ना मिलकर रॉबरी, डकैती, लूटपाट वो करता ही है, लेकिन कोई भी उसके रास्ते में अगर आए ना तो वो उसका मर्डर भी कर देता है। और अब FBI की नजर ना जोसेफ पर थी, वो चारों ओर उसे ही ढूंढ रही थी। और फिर बहुत ढूंढने के बाद जोसेफ उनके हाथ लगता है। 1934 को शिकागो के बाहर जब जोसेफ अपनी वाइफ के साथ एक चोरी की हुई कार में घूम रहा था ना, तभी FBI के कुछ एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और जोसेफ और उनके बीच ना फायरिंग होने लगती है। इस गन बैटल में FBI के ना 2 एजेंट्स की तो मौत हो जाती है, लेकिन साथ ही जोसेफ की भी मौत हो जाती है। जोसेफ ने अपने छोटे से क्रिमिनल करियर से ही ना पुलिस की नाक में दम कर दिया था। सुनने में आ रहा है कि इस बार KGF 3 की स्टोरी में भी ना ऐसे ही एक माफिया की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। जैसे साउथ इंडियन डिश न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक उसी तरह कर्नाटक का सोना भी इंडिया से लेके पूरे विश्व में फेमस है। प्राचीन काल से आज तक लोग कर्नाटक से सोने का इस्तेमाल करते आए हैं,
पर समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल कानूनी तो कुछ ने गैर कानूनी तरीके से किया है। भारत हमेशा से ही अपने गद्दारों के वजह से पिछड़ता चला गया है, क्योंकि यहाँ पर आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक गद्दार है रॉकी। रॉकी जिसकी चाहत है पूरी दुनिया पर राज करना। रॉकी गैर कानूनी तरीके से भारत का सोना बेचता है और देखते ही देखते एक खूंखार स्मगलर बन जाता है। पुलिस ये तो जानती है कि रॉकी गैर कानूनी काम करता है, पर उसके पास सबूतों के न होने के वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाती है। रॉकी अपना काम बहुत ही सफाई से करने में माहिर है। उसने वो हर जगह के लोगों को खरीद रखा है जो उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस रॉकी को पकड़ने का जो भी प्लान बनाती है वो फेल हो जाता है। अब रॉकी का अगला टारगेट सेट है, पर पुलिस रॉकी के टारगेट को सफल होने नहीं देना चाहती और अब यहाँ से एक लाइन खींचती है जो ईमानदार पुलिस वर्सेस करप्ट पुलिस को अलग रखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो रॉकी के गैर कानूनी काम को कानूनी तरीके से होने में मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ठान लिया है कि कानून को हाथ में लेने वालों के हाथ में हथकड़ियां डालना ही है। रॉकी के अगले टारगेट को फेल करने का जिम्मा मिला है पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ईमानदार अफसर प्रथम खुराना को। प्रथम खुराना पुलिस डिपार्टमेंट का वो नाम है जिसने खूंखार से खूंखार आतंकवादियों को और गैर कानूनी धंधा करने वालों का खात्मा किया है। खुराना ने अपने आदमियों को रॉकी के अगले टारगेट की छोटी से छोटी बात को भी पता लगाने का काम दिया है और इस काम की पूरी रिपोर्ट अब खुराना के सामने। डिपार्टमेंट में ये खबर फैली कि रॉकी का केस खुराना को मिल गया है और इस खबर को रॉकी तक पहुंचा दिया जाता है। रॉकी हंसते हुए कहता है कि आज तक कोई रॉकी को ये सब करते देख भी नहीं पाया है तो पकड़ने की बात ही खत्म। रॉकी कहता है कि ये सब चीजों पर ध्यान लगाने के बजाय धंधे के बारे में सोचना है। वो इस बात को हल्के में लेता है। अगले ही हफ्ते खुराना का ट्रांसफर लेटर डिपार्टमेंट में आता है जिसमें उनकी पोस्टिंग गोवा में हो गई है, ऐसा लिखा होता है। खुराना गोवा शिफ्ट हो जाते हैं और सबको लगता है कि रॉकी भाई का केस हाथ में आने की वजह से इनका ट्रांसफर हो गया है। इसकी हकीकत क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। अब खुराना गोवा में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। खुराना के एक दोस्त है जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट में है। खुराना और रॉबर्ट अपने अपने डिपार्टमेंट के होनहार और बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक फोन की बातचीत के दौरान रॉबर्ट खुराना को मिलने के लिए बुलाते हैं। कुछ दिन बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उधर रॉकी अपने टारगेट को अंजाम देने जा रहा है। रॉकी सोने की डीलिंग करने के लिए अपने क्लाइंट से मिलता है। ये डीलिंग एक शिप में हो रही है और डीलर अमेरिका से है। वो भारत का सोना अमेरिका में इस्तेमाल करता है। डीलर का नाम है जॉन। ये शिप अमेरिका पहुंचने वाला है और अमेरिका के पुलिस पहले ही अलर्ट है, क्योंकि खुराना ने अपने दोस्तों से मिलने के दौरान सारी बातें रॉबर्ट को बता दी थी। साथ ही उनका गोवा ट्रांसफर भी उनका ही सेट किया हुआ प्लान था, जिससे रॉकी के खरीदे हुए अफसरों को एक गलत इन्फॉर्मेशन मिले और वो रॉकी तक ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे। खुराना का प्लान समझने के बाद रॉबर्ट अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। अब अमेरिका की एयरफोर्स ने शिप पर अटैक कर दिया, जिसके बाद रॉकी समुद्र में कूद जाता है, जिससे सबको ये लगे कि रॉकी बीच समंदर में डूब के मर गया। अमेरिका पुलिस हर एक एंगल से एक्टिव है और अमेरिका की नेवी रॉकी को समंदर में ढूंढने का ऑपरेशन स्टार्ट करती है कि अगर रॉकी डूबा है तो उसकी बॉडी कहीं न कहीं तो होगी। नेवी पूरे समंदर का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करती है और उसे रॉकी की बॉडी नहीं मिलती है, जिसके बाद पुलिस समझ जाती है कि ये रॉकी की कोई चाल हो सकती है। तब नेवी और अमेरिका के पुलिस रॉकी का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। इस ऑपरेशन में उसको एक आदमी द्वारा पता चलता है कि शायद रॉकी मरा नहीं है, क्योंकि उसने एक आदमी को बच के निकलते देखा जो डूबा नहीं था। तब पुलिस समझ जाती है कि उसने खुद को बचाने का पूरा प्लान पहले से ही बना लिया होगा कि कभी ऐसे सिचुएशन आए तो रॉकी वहाँ से बच निकले, और पुलिस का ये शक सही भी निकला। रॉकी ने वो सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ रखे जो उसे डूबने नहीं दे सकते थे।
इन्हीं के सहारे वो समंदर से बच के निकल जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है। रॉकी कुछ दिन वहीं अमेरिका में छुपा रहता है और इधर पुलिस अपना हर पैतरा अपना रही होती है कि किसी तरह वो रॉकी का पता लगा ले। तब उन्हें एक रेस्टो वाला बताता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो शायद होटल न्यूयॉर्क में है और वहां से रोज खाने का ऑर्डर आता है। अब पुलिस एक क्लू की तलाश में थी और शायद उन्हें क्लू मिल भी गया था। पुलिस ने उस रेस्टो वाले से बोला कि आज का ऑर्डर जैसे ही आए वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे। उसने ऐसा ही किया। ऑर्डर आते ही पुलिस की टीम का एक आदमी डिलीवरी बॉय बन के खाना पहुंचाने गया और उसने रॉकी को देख लिया। इस तरह रॉकी को अमेरिका पुलिस की मदद के द्वारा पकड़ा गया। दोस्तों, आपको ऐसी ही कहानी KGF चैप्टर 3 में देखने को मिल सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत मुगलों के आने से पहले हर एक क्षेत्र में आगे था। प्राचीन भारत वैश्विक व्यापार का केंद्र था। प्राचीन काल में भारत खाद्य पदार्थों, कपास, रत्न, हीरे इत्यादि के निर्यात में विश्व में सबसे आगे था। और धीरे धीरे समय ने करवट ली, देश में मुगलों का आगमन हुआ और जो सब खुले तौर पर किया जा रहा था अब वो मुगलों ने नियंत्रित कर दिया। गोल्ड के निर्यात पर मुगलों ने बहुत कर लगा दिया, जिसकी वजह से गोल्ड की स्मगलिंग ही शुरू हुई, लेकिन उस पर टैक्स बहुत ज्यादा था जिससे वो महंगा बिकता था, जिस कारण ही इन्होंने इसकी स्मगलिंग शुरू कर दी। गोल्ड की स्मगलिंग करने वालों में कुछ गैंगस्टर भी शामिल थे जिसमें हाजी मस्तान का नाम शामिल हुआ। मुंबई में सोने की तस्करी करने वालों में हाजी मस्तान का नाम सबसे बड़ा था, लेकिन हाजी मस्तान सबसे बड़ा तस्कर तब बना जब उसने बखिया बंधुओं को साथ दिया। हाजी मस्तान ने बखिया भाइयों के सहारे ही तस्करी की दुनिया के हर दांव पेच सीखे थे। दोस्त, कई बार उनके खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए, लेकिन हर बार उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। जहां 60 के दशक में हाजी मस्तान पनप रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बखिया बंधु गुजरात, गोवा, दमन और दीव के बेताज बादशाह थे। बखिया बंधुओं की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दोस्तों, सुकुमार नारायण अकेला था। पुलिस ने उसके खिलाफ मीसा एक्ट और कोफी पोशा यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम यानी COFEPOSA के तहत केस दर्ज करने शुरू किए, लेकिन हर बार वो बचता गया। दोस्तों, कई मामले तो ऐसे थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन सुकुमार नारायण के खिलाफ सबूत जुटाना पुलिस के लिए मुश्किल होता था। दोस्तों, सन 1975 में जब देश में आपातकाल की घोषणा हुई, उस दौरान पुलिस का सिरदर्द बने सुकुमार नारायण को देश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद उसे कई सालों की मशक्कत के बाद सन 1982 की मई में अन्य मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 24 मई 1982 में हड़कंप तब मच गया जब गोवा की एक जेल में बंद सुकुमार नारायण जेल की चार दीवारी को लांग कर फरार हो गया। हालांकि स्मगलिंग की बात आती है तो KGF के रॉकी भाई की बात निकल आती है। KGF जिसने स्मगलिंग के जाल को दुनिया के सामने रखा, जो चैप्टर दर चैप्टर रिलीज हुआ ही जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अब तक बहुत सारे बड़े से बड़े गैंगस्टर्स देखे गए। उनमें से कुछ जाने गए अपने नाम से, अपने काम से, अपने खौफ से, और कुछ जाने गए अपने दिमाग से, और उन्हीं में से एक था मन्ना सुर्वे। मन्ना सुर्वे की सोचना बाकी के गैंगस्टर से काफी अलग थी, और अपने इसी अलग तरह की सोच की वजह से अंडरवर्ल्ड में ना उसने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। मन्ना सुर्वे साल 1944 में ही मुंबई में अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगा। मन्ना ने कीर्ति कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की है। मन्ना को पहले से ही अंडरवर्ल्ड में इंटरेस्ट था। उसका बड़ा भाई जो पहले से ही कई सारे जुर्म कर चुका था और जिसका ना पहले से ही अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन था, उसने मन्ना को अंडरवर्ल्ड में एंट्री दिलाई। इसलिए कॉलेज के टाइम ही मन्ना अपनी एक गैंग बना चुका था अपने दोस्तों के साथ। उस गैंग में सुमेश देसाई और भार्गव दादा जैसे गुंडे भी शामिल थे। मन्ना और उसके गैंग का आतंक इतना बढ़ गया था कि उस टाइम के बड़े से बड़े डॉन भी मन्ना से डरने लग गए थे। मन्ना धीरे धीरे अपना खौफ मुंबई के कोने कोने में फैलाने लगता है। यहाँ तक कि उस समय का एक बड़ा डॉन पठान भी मन्ना से डरने लगा था, जो पिछले 2 सालों से मुंबई अंडरवर्ल्ड में राज कर रहा था। मन्ना और उसकी गैंग ना कई सारे बड़े गैंग्स को मदद किया करते थे अपने दुश्मन गैंग को हराने के लिए। यहाँ तक कि पठान भी ना अपने राइवल गैंग केशर ग्रुप को हराने के लिए मन्ना सुर्वे से ही मदद लिया करता था। उन दिनों मन्ना इतना मशहूर हो गया था कि अंडरवर्ल्ड का बड़े से बड़ा ग्रुप मन्ना से मदद लेने के लिए आता था। मन्ना अपने टाइम का पहला पढ़ा लिखा और हिंदू गैंगस्टर था। यहाँ तक आते आते मन्ना का गैंग काफी बड़ा हो चुका था,
जिसमें शेख मुनीर, विष्णु पाटिल और उदय जैसे गैंगस्टर शामिल हो चुके थे। एक मर्डर के जुर्म में मन्ना सुर्वे को उम्र कैद हुई थी और मन्ना जेल के अंदर जाके पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो गया था। मानो जैसे वो जेल के अंदर ना अपनी सजा काटने नहीं बल्कि वहां पर कैसे एक पावरफुल गैंगस्टर बना जाए उसकी ट्रेनिंग लेने गया हो। मन्ना जेल के अंदर भी अपना आतंक ना बढ़ाने लगा और धीरे धीरे करके मन्ना का दबदबा जेल के अंदर भी बढ़ गया और जेल के अंदर भी सारे अपराधी ना मन्ना से डरने लग गए थे। मन्ना ने जेल के अंदर भी अपना एक गैंग बना लिया था। वो जेल के अंदर दूसरे गैंग मेंबर्स को ढूंढ के उनके साथ मारपीट करने लगा था। मन्ना के जेल में बढ़ते हुए इस आतंक को देखकर ना मन्ना को रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन वहां पर भी मन्ना की जो बदमाशियां थी ना वो कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। मन्ना रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल करने लगा जो 20 दिनों के लिए चला और इन 20 दिनों में मन्ना ने ना अपना भारी वजन घटाया और उस वजह से उसे तेज बुखार आ गया था। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था और इसी का फायदा उठाते हुए मन्ना पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हो गया और सीधा मुंबई आ गया। फिर एक नए गैंग की शुरुआत की। मुंबई आकर वो अपनी फैमिली के पास जा सकता था लेकिन मन्ना मुंबई आते ही ना अपना एक नया गैंग बनाने लग गया और काफी चलाकी और सोच समझ कर अपने गैंग में ना लोगों को शामिल करने लगा। इस गैंग के साथ मन्ना ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को की थी जिसमें उसने एक एम्बेसडर कार चोरी की थी। रत्नागिरी जेल से फरार होने के बाद मन्ना ने मुंबई में आकर ना एक फ्लैट ले लिया और वहां पर रहते हुए अपनी सारी बदमाशियां करता था और धीरे धीरे मन्ना दोबारा मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाने लगा। मन्ना को पढ़ाई का भी बहुत शौक था। वो क्राइम पर बेस्ड किताबें पढ़ा करता था। वो उन्हीं किताबों में लिखे हुए तरीकों से ना क्राइम किया करता था। मन्ना का क्राइम करने का तरीका जो था वो बाकी सारे गैंगस्टर से काफी अलग था। मन्ना सुर्वे ने एक बार कनारा बैंक को भी लूटा था। मन्ना सुर्वे का आतंक मुंबई भर में बढ़ने लगता है और मन्ना मुंबई का मोस्ट वांटेड डॉन बन जाता है। लोग उससे डरने लगे और यहाँ तक उसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। एक बार उसने एक पुलिस वाले के पेट में ना छुरी घुसाकर उसका मर्डर कर दिया था। उस समय पुलिस भी ना काफी एक्टिव हो चुकी थी और अब पुलिस गैंगस्टर्स का सीधा इनकाउंटर करने लगी थी। उसी समय इंस्पेक्टर केशव भगवत और राजा राम भट्ट ने मन्ना सुर्वे का केस अपने हाथों में लिया और मन्ना सुर्वे के खिलाफ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस धीरे धीरे बड़े बड़े गैंगस्टर का सफाया करने लगी और उसी से घबरा कर मन्ना ना मुंबई छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला गया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मन्ना के अपार्टमेंट से कई सारे इलीगल वेपन्स, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स मिले। आखिरकार साल 1982 में महाराष्ट्र पुलिस के एक एनकाउंटर में ना मन्ना सुर्वे की मौत हो गई। मन्ना जैसे इतने बड़े गैंगस्टर की असली पावर ना उसकी अलग तरह की सोच थी जिसने उसे मुंबई का इतना बड़ा गैंगस्टर बना दिया और उसके बढ़ते आतंक और पावर से बाकी के माफियाज भी ना परेशान हो गए। और ये भी माना जाता है कि दाऊद ने ही पुलिस को ना मन्ना को मारने की टिप दी थी। KGF 3 में हमें मन्ना सुर्वे जैसे काफी चलाक और अलग सोच रखने वाले गैंगस्टर की स्टोरी से इंस्पायर्ड स्टोरी देखने को मिलने वाली है। साल फरवरी के महीने में रूस और यूक्रेन का युद्ध सबने देखा और इतिहास गवाह है कि रूस एक शक्तिशाली देश है जो कि बाकी देशों की तुलना से आर्थिक दृष्टि फाइनेंशियली से भी काफी मजबूत है। रूस जैसी बाकी चीजों में सबसे आगे है, उसी तरह वो माफिया को अपनी शरण देने में भी आगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका के द्वारा निकाली जाने वाली मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक ऐसा माफिया है जो रूस में छुपा है और आज तक FBI उसे ढूंढ नहीं पाई है। ये कहानी है सेमियन मोग्लिवेच की, जो दुनिया का सबसे खतरनाक और निर्दयी माफिया है। सेमियन अपने शुरुआती दिनों में एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। उसके बाद उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते पाया जाने लगा और वहीं से वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। ऐसा माना जाता है कि वो एक विशाल आपराधिक साम्राज्य को कंट्रोल करता है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियारों की ट्रैफिकिंग और मादक पदार्थों को ट्रैफिकिंग शामिल है। सेमियन 2009 से FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची में है और 1995 से इंटरपोल द्वारा वांटेड है। इसके बावजूद उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और माना जाता है कि वो रूस में रह रहा है। सेमियन बहुत ही शातिर दिमाग का है और इसलिए उसे पकड़ना अभी तक मुश्किल ही रहा है। एक नॉर्मल पर्सन को फाइनेंस की ज़्यादा समझ नहीं होती है और जिसको फाइनेंस की समझ होती है उसका करियर काफ़ी ब्राइट होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार अच्छी नॉलेज का यूज़ गलत कामों के लिए भी किया जाता है और फाइनेंस की इसी नॉलेज के कारण सेमियन वो सब डीलिंग आसानी से कर लेता है जिसको करना लगभग असंभव है। सेमियन को फाइनेंस की डीप नॉलेज है और सेमियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी गलत समय पर गलत जगह नहीं होता है और इसीलिए वो पुलिस को
बार बार चकमा देने में कामयाब हो जाता है। एक विशाल आपराधिक साम्राज्य के लीडर के रूप में उसकी एक महान इमेज के कारण सेमिर को बॉस ऑफ बॉसेस कहा जाता है, जो कई देशों और आपराधिक संगठनों तक फैला हुआ है। सेमियन दुनिया के कई टॉप क्राइम लीडर्स पर कंट्रोल रखने में केपेबल है और एक मास्टर मैनिपुलेटर और आपराधिक मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है, इसलिए उसको लोग बॉस ऑफ बॉसेस के नाम से बुलाने लगे। सेमियन का नेटवर्क इतना बड़ा था कि रूस की सरकार में उसके कई दोस्त थे और आज भी हैं, जिनके अंडर में सेमियन आराम से अपने गैर कानूनी काम कर रहा है और दुनिया भर में अपनी दहशत फैला रहा है। अपराध को अंजाम देना और दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले ऐसे ही एक माफिया की कहानी आपको आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कि चूहे अनाज खा जाते हैं जिससे अनाजों का काफी नुकसान होता है, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि चूहों ने किसी के अरबों रुपए खा लिए हो? मुझे तो नहीं लगता, पर ऐसा सच में हुआ है। ये कहानी है दुनिया के एक ऐसे अमीर व्यक्ति की जिसके अरबों रुपए चूहे ने खा लिए। अमेरिका में पाब्लो एमियो एस्कोबार गैवेरिया नाम का एक आदमी रहता था जो कोकीन का व्यापारी था। ये कारोबार गैर कानूनी था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन में पाब्लो दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति था। पाब्लो एक गरीब परिवार से था और वो 6 भाई बहनों में से एक था। पढ़ने के लिए फीस ना होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एक दिन उसने कब्र के पत्थरों को चुरा कर उसे बेच दिया और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा। वो नकली लॉटरी की टिकटों को बेचता था, छोटे मोटे घोटाले करता था, यहाँ तक कि बैंक से निकलने वालों का पैसा भी लूट लेता था। फिर पाब्लो ने धीरे धीरे गैर कानूनी काम को करना शुरू कर दिया और इसी के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। 1970 में उसने नशीली दवाओं का व्यापार करना शुरू कर दिया और पहले उसने मेडलिन एग्जीक्यूटिव का अपहरण कर दिया और करीब $1,00,000 की फिरौती मांग कर अमीर हो गया। उसने हर जगह अपने नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उनसे वो पैसा कमाता ही गया। अपना पावर और कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसने वॉयलेंस और रिश्वतखोरी का इस्तेमाल भी किया। समय के साथ उसने इतिहास में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स में से एक के रूप में आपराधिक प्रतिष्ठा बनाई। एस्कोबार ने अपने पैसे का उपयोग राजनेताओं, कानून प्रवर्तन यानी लॉ एनफोर्समेंट और सैन्य अधिकारियों को प्रभावित करने और भ्रष्ट करने के लिए भी किया था, जिससे उसे फ्री होकर काम करने की परमिशन मिल गई। वो बमबारी और हत्याओं जैसी अपनी क्रूर रणनीति के लिए भी जाना जाता था और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जाने लगा। कोलंबिया सरकार और अमेरिका ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसे पकड़ने या मारने के कई प्रयासों के बावजूद वो कई वर्षों तक न्याय से बचता रहा। वो बहुत ही शातिर और रसूख वाला व्यक्ति बन चुका था, जिसकी वजह से उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। पर आखिरकार वो दिन आ गया था जब 1993 में उसे ट्रैक कर लिया गया और उसे मार दिया गया, जिससे ड्रग लॉर्ड के रूप में उसका शासन समाप्त हो गया। कहते हैं पाब्लो ने इतना रुपया कमाया था कि अरबों रुपए तो चूहे खा जाते हैं। एक बिजनेसमैन का फोर्ब्स लिस्ट में आना तो नॉर्मल है, पर एक ड्रग माफिया का आना थोड़ा मुश्किल है, जिसको पाब्लो ने आसान कर दिया था अपने कारनामों से और वो दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बन गया था। ऐसी ही अमीरी और ताकत की इच्छा रखने वाले माफिया की कहानी आपको KGF 3 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? ऐसी मूवी की जिसने सबको चौंका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए KGF 3 अब आ रही है। बता दें कि KGF चैप्टर 1 और 2 के सारे डब्ड वर्जन को भारत में एक साथ रिलीज किया गया था, साथ ही काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजुअल और ट्रेलर देखने के बाद ये किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही थी। KGF फ्रेंचाइज को लेकर नॉर्थ साइड में ज्यादातर लोग इसीलिए भी उत्सुक है क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे कि वो कितने बड़ी लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत करते हैं। हालांकि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलुगु में शूट की गई थी और KGF पूरी की पूरी कन्नड़ भाषा में शूट की गई थी। अब की बार भी KGF 3 को कन्नड़ में बनाया जाएगा, लेकिन हिंदी में भी इसे शूट किया जाएगा।
फिल्म केजीएफ फ्रेंचाइज से लोगों की उम्मीद जितनी ज्यादा थी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद लोगों को केजीएफ 3 से है, क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलग लेवल सेट कर दिया है। और क्योंकि फिल्म अब इंटरनेशनल लेवल पर बन रही, केजीएफ चैप्टर 1 और 2 फिल्म के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम की टीम के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केजीएफ 3 बाकी ही फिल्मों की तरह हिट हो पाएगी या नहीं? चलिए आपको बताते हैं वेस्ट यूपी के सबसे बाहुबली और खतरनाक गैंगस्टर सुंदर भाटी की कहानी। जब नोएडा में उद्योग लगने लगे तो सुंदर ने रंगदारी और उगाही का काम शुरू कर दिया। 92 में जब नोएडा बना था और तभी इसका उदय हुआ था। फिर कुछ लोकल नेताओं ने चुनावों में उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। पंकज पारेषण बताते हैं कि साल 1997 में नोएडा, दादरी और जेवर जोड़कर गौतम बुद्ध नगर जिला बना था। सुंदर भाटी ने उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों से रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी थी। वे कहते हैं रंगदारी वसूलने को लेकर कुछ हत्याएं भी हुई जिनके आरोप सुंदर भाटी गैंग पर लगे। एक वक्त के बाद बदमाश राजनीति की ओर भागता है। इसका राइवल गैंग था उस दौर में नरेश भाटी। नरेश जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उसका कत्ल हुआ था। ये आरोप भी सुंदर भाटी पर था। उस मामले में गवाह और सबूत नहीं मिले थे और भाटी व अन्य बरी हो गए थे। आपको बता दें कि पिछले 7 साल से सुंदर भाटी जेल में है। पुलिस ने उसे साल 2014 में ग्रेटर नोएडा के घंगोला से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो यूपी की सोनभद्र जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी का गैंग D11 के नाम से पुलिस की फाइल में दर्ज है। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स केजीएफ 3 में दिखा सकते हैं जिसमें कोई गैंगस्टर और उसके राइवल की कहानी होगी। तो आप कितने एक्साइटेड हैं केजीएफ 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, अनसेफ रहें। थैंक यू। हीरोइन जिसे हर कोई पसंद करता है, आखिर एक डॉन के साथ कोई रिश्ता क्यों रखेगी और इस रिश्ते की वजह से उसको काटने पड़ेंगे जेल के चक्कर, ये किसी फिल्म से कम नहीं लगती। और साथ ही ऐसे खतरनाक गैंगस्टर से रिश्ता रखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आखिर प्यार के सामने कोई कुछ कर पाया है क्या? दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार कोई जाति, धर्म या रंग रूप नहीं देखता है। जब किसी आदमी को प्यार होता है तो उसे केवल वही इंसान अच्छा लगता है। अक्सर हमने फिल्मों में ऐसी कई प्रेम कहानियां देखी हैं, जब एक लड़की को किसी क्रिमिनल नेचर के इंसान या किसी गैंगस्टर से प्यार हो गया। पर्दे पर इस तरह की स्टोरी देखने में बेहद ही अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन रियल लाइफ में शायद ही कोई लड़की किसी गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड के साथ अपना नाम जोड़ना चाहे। हालांकि फिल्मी दुनिया सामान्य दुनिया से काफी अलग है। यहाँ पर अक्सर कलाकारों का बहुत बड़े नामों से कनेक्शन होता है। कभी कभी ये कलाकार अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों से कॉन्टेक्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन किसी एक्ट्रेस को गैंगस्टर से प्यार हो जाए ये थोड़ा हैरान कर देने वाला है। हालांकि ऐसे कई एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं जो रियल लाइफ गैंगस्टर के प्यार में पड़ी और इसके कारण कुछ अभिनेत्रियों को बाद में परेशानी भी झेलनी पड़ी। मोनिका बेदी ने पर्दे पर कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, हालांकि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही हमेशा न्यूज में रही हैं। मोनिका बेदी का रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के साथ रहा। अबू सलीम ने ये भी दावा किया था कि उनकी मोनिका बेदी से शादी हो चुकी है, हालांकि उन्होंने इसे कभी नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन मोनिका और अबू सलीम की मुलाकात 1998 में दुबई के एक शो में हुई थी, जिसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता था कि अबू सलीम मोनिका को फिल्म में कास्ट करने के लिए निर्माताओं और निर्देशकों को धमकी भी दिया करते थे। दोस्तों, हालांकि बाद में नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके पुर्तगाल में एंटर करने के लिए मोनिका बेदी और अबू सलीम को हिरासत में ले लिया गया और मोनिका बेदी को भारत वापस भेज दिया गया था। इंडिया में भी मोनिका को जेल में एक लंबा वक्त बिताना पड़ा था, क्योंकि ऐसे गैंगस्टर से कनेक्शन एक बड़ी बात थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या गैंगस्टर की कहानी ऐसी कोई हम देख सकते हैं क्या केजीएफ 3 में? दोस्तों, ऐसी दिलचस्प और रियल घटनाओं को हम बड़े पर्दे पर देखते हैं ना, तो वो हमें कुछ अलग ही महसूस करवाती है। और रियल से रियल कहानी का ये सफर एक ऐसा जादू कर जाता है जो कि क्रिटिक्स से लेकर आम दर्शकों के दिल को छू जाता है। अब इसी के साथ दोस्तों, मैं श्रुति लेती हूँ आपसे इजाजत। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और शेयर, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ में आज भी काफी सोना है।
कहा जा रहा है कि 2001 से बंद इस गोल्ड माइन को सरकार दोबारा खुलवाना चाहती है। केजीएफ इतना बड़ा है कि इसी कारण 1905 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने के मामले में इंडिया 6 पोजीशन पे था। इसके अलावा केजीएफ जापान के बाद दूसरा टाउन था जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई शुरू हुआ था। केजीएफ का इतिहास सदियों पुराना है। हिस्ट्री को देखें तो 1700वीं सदी में केजीएफ पे प्रॉपर गोल्ड एक्सट्रैक्शन ब्रिटिशर्स द्वारा होने लगा था। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन का कहना है कि 1799 में सरिंगापट्टनम बैटल में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को मारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर में अपना रूल स्टैब्लिश किया था। हालांकि ब्रिटिशर्स तब स्टेट्स पे डायरेक्ट रूल नहीं किया करते थे। इसी कारण जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को मारा था तब उन्होंने मैसूर का पूरा कंट्रोल महाराजा ऑफ मैसूरू को दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोलार पे अपना कंट्रोल कायम रखा था। केजीएफ को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि आखिर क्यों हमारे देश को एक वक्त पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटिशर्स ने हमारे देश की जमीन से 1000 टन का सोना एक्सट्रैक्ट किया था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स से पहले कोलार और कर्नाटका पे राज करने वाले राजाओं को गोल्ड माइन के बारे में कुछ नहीं पता था। असल में ब्रिटिशर्स से पहले कई राजाओं ने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास क्योंकि गोल्ड एक्सट्रैक्शन के प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, इसी कारण वो सोने को निकालने में नाकामयाब रहे थे। वही फिल्म केजीएफ में दिखाए गए सीन्स लगभग सही थे। ब्रिटिश राज के दौरान गोल्ड माइन में 30,000 से भी ज्यादा ऊपर लेबर काम करते थे, जिन्हें काफी परेशान किया जाता था। लेबर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। वहीं अगर कोई लेबर कमजोर या किसी और कारण से काम करने से मना कर देता था तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता था। एक तरह से वो दौर कुछ ऐसा था जहां हमारे ही देश की मिट्टी से सोना लेकर हमारे ही देश के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। अब जिस तरह से फिल्म केजीएफ में अधीरा यानी कि संजय दत्त के द्वारा लेबर्स को टॉर्चर किया जा रहा था, कुछ ऐसा ही उस वक्त में भी होता था। लेकिन जब पॉलिश हिस्ट्री की बात होती है तो ऐसा कहा जाएगा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में रहकर कोलार में ज्यादातर इंडियंस इंजीनियर्स और डॉक्टर बन रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ब्रिटिशर्स जानकर कुछ लोगों को पढ़ा रहे थे ताकि वो इंजीनियर्स के थ्रू गोल्ड माइन को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। अब रॉकी पर अगर वापस आए तो जिस तरह से उसने एक वक्त पे गोल्ड का सपना देखा था तो कुछ इसी तरह से एक आयरिश सोल्जर ने भी ऐसा ही सपना देखा था। 1850s में माइकल नाम का एक आयरिश सोल्जर न्यूजीलैंड में युद्ध लड़ने के बाद बैंगलोर में अपना इलाज करवाने आया था। उसी दौरान माइकल को कोलार में लोकल गोल्ड माइन के बारे में पता चला जो असल में केजीएफ था। आयरलैंड तब ब्रिटेन का ही हिस्सा था, इसी कारण आयरिश और ब्रिटिश तब एक ही थे। जब माइकल ने कोलार के गोल्ड माइन के बारे में सुना तो वो भी रॉकी की तरह गोल्ड हासिल करने का सपना देखने लग गया था। इसी के बाद माइकल कोलार पे रिसर्च करने लगा। अब जब माइकल कोलार गोल्ड फील्ड पहुंचे तो वहां पे खाली गड्ढों को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो गए थे। कुछ गड्ढे 250 फीट तक गहरे थे तो कुछ उससे भी ज्यादा गहरे थे। माइकल ने मिट्टी की दीवार पे पैरों के निशान भी देखे थे। इसके अलावा माइकल की नजर कुछ एंशिएंट इक्विपमेंट्स पे भी पड़ी थी जिसका इस्तेमाल माइनिंग के लिए होता था। हालांकि वो जगह एकदम खाली थी, ना ही वहां पे कोई माइनर्स थे और ना ही कोई सोना। माइकल पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने इस इलाके में गोल्ड होने का दावा किया था। इससे पहले 77 AD में रोमन हिस्टोरियन प्लीनी, जो एक दौर में कोलार के इलाके से गुजरे थे, उन्होंने इस इलाके में सिल्वर और गोल्ड माइनिंग होने की बात कही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अभी मस्तान रुकता है उस होटल का वेटर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और वेटर का दोस्त उस वेटर को कहता है तू आज ठेके पर क्यों नहीं आया। तो वो वेटर कहता है कि बस यार आज थोड़ा बिजी था होटल में। तभी वेटर को मैनेजर देख लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेटर। कहता है कुछ नहीं सर। तब मैनेजर वेटर को पूछता है क्या तुमने हाजी मस्तान के रूम में मच्छर मारने की दवाई लगा दी। वेटर कहता है यस सर। हाजी मस्तान का नाम सुनकर वेटर का दोस्त उससे पूछता है तुम्हारे होटल में हाजी मस्तान रुका हुआ है। वो वेटर कहता है हाँ क्यों। इतनी सी बात सुनकर उसका दोस्त कुछ नहीं कहता और वेटर को कहता है कि चल मैं चलता हूँ। फिर वेटर का दोस्त ये बात पूरे बनारस में फैला देता है कि बनारस में हाजी मस्तान आया हुआ है। हाजी मस्तान का नाम उस टाइम बहुत ही फैला हुआ था और हाजी मस्तान का नाम सुनते ही बनारस के लाखों लोग हाजी मस्तान को मिलने आते हैं। होटल के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, लोग हाजी मस्तान को मिलते हैं और बेहद खुश होते हैं। इतनी भीड़ को देखकर एक आदमी होटल के पास से गुजर रहा होता है तो वो इतनी भीड़ को देखकर भीड़ में खड़े एक आदमी को बुलाता है और उसे पूछता है
और कहता है, यार एक बात बताओ, आज इस होटल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई हीरो आया है क्या? तब भीड़ में से आया हुआ आदमी कहता है, हीरो नहीं लेकिन हीरो जैसा ही है, हाजी मस्तान आया हुआ है। अनजान आदमी कहता है, हाजी मस्तान ये कौन है? भीड़ से बाहर आया आदमी कहता है, तुम हाजी मस्तान को नहीं जानते? अरे ये मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा है। इतनी बात बोलकर दोनों चले जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी हो सकती है KGF 3 की, तो आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। दोस्तों जैसे कि आपने पिछली कहानी में देखा किस प्रकार हाजी मस्तान गालिब द्वारा दिए गए बैग को छुपा कर रखता है। हाजी मस्तान रेलवे स्टेशन के अंदर जैसे ही घुसता है उसे थोड़ी ही दूर शेर खान किसी अन्य से हफ्ता वसूल कर रहा होता दिखाई देता है। हाजी मस्तान चुपचाप से अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और शेर खान पठान को पैसे दे देता है। जब हाजी मस्तान खाना खा रहा होता है तब उसकी नजर पड़ती है एक ट्रेन पर जो वापस लौट कर आई है। ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन में गालिब आया करता था। हाजी मस्तान मन ही मन सोचता है कि काश उसे गालिब दोबारा से मिल जाए ताकि वो गालिब को उसका वो बैग लौटा सके। हाजी मस्तान ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर पड़ती है गालिब ट्रेन से उतर रहा है। गालिब को देख हाजी मस्तान अपना टिफिन वापस पैक करके रख देता है और हाजी मस्तान गालिब के पीछे पीछे भागता है। भागता हाजी मस्तान गालिब के नजदीक पहुंच जाता है और गालिब को कहता है, साहब आपका बैग मेरे पास रह गया था। गालिब उससे कहता है कि क्या वो बैग अभी तुम्हारे पास है? तुमने उसे अभी तक खोल कर भी नहीं देखा। गालिब वही रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा रहता है। इतने में हाजी मस्तान भाग कर अपने घर जाता है और वो बैग लेकर आता है और बैग लाकर हाजी मस्तान गालिब को थमा देता है। गालिब हाजी मस्तान की वफादारी देखकर बहुत खुश होता है और हाजी मस्तान, इस बैग में सोने के बिस्कुट रखे थे जिन्हें तुम अगर बेचते तो आज शायद तुम एक अमीर आदमी बन चुके होते। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी हो सकती है KGF 3 की, तो आप हमें बताइए आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। ये कहानी मुंबई के एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में है जिसकी जिंदगी खुद ही एक फुल एक्शन ड्रामा फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है मुंबई के महेंद्र डोलस उर्फ माया डोलस की। माया इलाके के गुंडों की टीम को ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ वो सभी मिलकर दूसरों को डराने और धमकाने का काम करते थे। इसके साथ ही वो लोगों के पैसे भी लूटता था। माया को भी इस क्राइम की दुनिया में मजा आने लगा था। उसने केवल 22 साल की उम्र में ही मुंबई के खतरनाक गुंडे अशोक जोशी की गैंग ज्वाइन कर ली, जिसके बाद अपने दम पर माया ने मुंबई पर अपनी छाप छोड़ दी थी। एक बार अशोक गैंग और दाऊद गैंग की आपस में लड़ाई हो जाती है जिसके चलते दाऊद गैंग के लोग अशोक गैंग के लोगों को मार देते। उसने इस बीच कई सारे मर्डर्स भी किए थे। हालांकि वो काम तो डी कंपनी के लिए किया करता था लेकिन अपनी मर्जी से उसने बिल्डर्स को डरा धमका के उनसे फिरौती लेना भी शुरू कर दिया। उसने कई बार दाऊद जैसे बड़े गैंगस्टर के खिलाफ जाकर उसी के बिल्डर्स से दोबारा हफ्ता वसूली की और इसी के चलते मुंबई पुलिस पिछले कई महीनों से माया को पकड़ने में लगी थी। ये वो समय था जब माया की क्रिमिनल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ रही थी लेकिन पुलिस उसे कभी भी नहीं पकड़ पा रही थी। वैसे सुनने में आ रहा है कि फिल्म KGF 3 में भी ऐसा ही कुछ दिखाया जा सकता है। अमेरिका हमेशा से ही एक शक्तिशाली देश रहा है। यहाँ के लोग और टेक्नोलॉजी भी ना हमेशा से काफी एडवांस रही है, पर कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अमेरिका भी एक तरफ तो अपने पड़ोसी देश से हर चीज में आगे था और ताकतवर भी, वही दूसरी तरफ अमेरिका में ना जुर्म की एक अलग ही दुनिया बन रही थी। वो वक्त था 1980 का जब अमेरिका और अन्य देश द टेफ्लॉन डॉन के नाम से ना कांप उठते थे। जॉन गॉटी, जिसे द टेफ्लॉन डॉन के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी डकैत और न्यूयॉर्क शहर में गैम्बिनो अपराध का बॉस था। उसका जन्म 1940 में ब्रॉन्क्स में हुआ था। उसने पहले तो एक सड़क गिरोह के सदस्य के रूप में अपना आपराधिक करियर शुरू किया और बाद में संगठित अपराध में शामिल हो गया। गैम्बिनो अपराध के माध्यम से ना गॉटी तेजी से ऊपर उठा और 1980 के दशक तक ना वो बॉस बन गया। वो अपने तेज तरार व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था और उसे ना अक्सर महंगे सूट और गहने पहने देखा जाता था। उसे दृढ़ विश्वास से बचने की ना उसकी क्षमता के लिए भी जाना जाता था, जिससे उसे द टेफ्लॉन डॉन उपनाम मिला। गॉटी जो विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल था जिसमें जबरन वसूली, लोन शार्किंग और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी, वो अपनी हिंसक राजनीति के लिए भी जाना जाता था और ऐसा कहा जाता है कि उसको प्रतिद्वंदी गैंगस्टरों और मुखबिरों की ना कई हत्याओं का आदेश दिया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गॉटी की कहानी साथ ही अन्य गैंगस्टरों की कहानी को ना अक्सर
लोकप्रिय मीडिया में ना रोमांटिक या फिर काल्पनिक तरीके से चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन हिंसा और अपराध से ही भरा हुआ होता है। अपनी आपराधिक गतिविधियों के अलावा जॉन गॉटी को उसकी सार्वजनिक छवि यानी कि पब्लिक इमेज और जिस तरह से उसको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया ना, उसके लिए भी जाना गया। वो अक्सर अपने परिवार और सहयोगियों के साथ ना आराम से घूमते हुए दिख जाता था, जैसे उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। वो अपनी आकर्षक अलमारी और महंगे गहनों के लिए भी काफी फेमस था। दुनिया में अपनी एक इमेज और लाख पहचान होने के बावजूद भी फाइनली वो दिन भी आया जब अमेरिका की पुलिस ने 1992 में गॉटी की गिरफ्तारी की और दोषी ठहराया। अमेरिकन पुलिस ने वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, जिसके बाद गॉटी का बचाना इम्पॉसिबल था, और ऐसा ही हुआ भी। गॉटी को सजा मिली और अंत में गैम्बिनो अपराध का ना पतन हो गया और इसके कई सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मार दिया गया। FBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ना संगठन को कमजोर करने और इसके कई सदस्य को न्याय के कटघरे में लाने में सफल रही। अमेरिका का लॉ ना बहुत ही पावरफुल रहा, और यहाँ पर एक बार अगर पुलिस के हाथ पड़ गए तो मतलब फांसी पर चढ़ना। अमेरिका जैसा देश जो उनके खिलाफ बहुत सख्त है, एक सुराग और काम खत्म, ऐसा सिस्टम ना हर देश में होना चाहिए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि KGF 3 आने वाली है, तो उसमें आपको ऐसे ही किसी गैंगस्टर की कहानी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में 1926 में हाजी मस्तान का जन्म हुआ था। 1926 वही समय है जब मुंबई में मोटर बस की शुरुआत हुई थी, और हाजी 8 साल की उम्र में 1934 में समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचा था, जब भारत में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर घर के ठीक बगल में हाजी मस्तान के पिताजी ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली थी। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इसीलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए इंदिरा डाक पर जहाज पर कूली का काम करने का फैसला किया, जहां पर उसे लोगों का सामान उठाना था। हाजी मस्तान ने यह देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती है, जहाज से उतरने के बाद हाजी लोग सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान लाए, कोई पूछने वाला ही नहीं था। हाजियों के साथ हज से वापसी में हाजी मस्तान उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। खजूर का डिब्बा उस समय 20 से 25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से जिद्दा से सोना ले आते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना। 1960 के दशक में भारतीयों के लिए हज यात्रा का रास्ता मुंबई से समुद्र के रास्ते जहाज द्वारा जाने का ही था। मुंबई से ही हज यात्रा संभव होने के कारण देश भर के हाजी मुंबई आते थे। यही सरकार उन्हें वीजा देती थी और यहां से 90 दिन के सफर पर हज यात्री निकल जाते थे। हाजी मस्तान के साथ कई और कूली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा भी सोने चांदी की तस्करी करते थे। जब भी जेद्दा से सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार, जिसका नंबर 28 था, उसमें सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। करीब 10 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद साल 1970 में हाजी मस्तान ने बहुत पैसा कमा लिया। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बने मुसाफिर घरों के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम डायमंड क्लब रखा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरद राजन जैसे नाम होते थे, वो भी डायमंड क्लब में आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। दोस्तों, एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी के स्मगलिंग की खबर लगी। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने जबान नहीं खोली। इस बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा 28 को गिफ्ट दे दिया था। दोस्तों, ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी प्रशांत नील अपनी फिल्म KGF 3 में लेकर आ रहे हैं। तो आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करिए, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और
से अखबारों के पन्ने रोज रंगे रहते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट से हत्या, अपहरण और डकैती ही उसका पेशा था। श्रीप्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में हुआ था। 1993 में श्रीप्रकाश शुक्ला ने बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स को बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीप्रकाश शुक्ला ने 20 साल की उम्र में ये पहला अपराध किया था। इसके बाद वो बैंकॉक भाग गया। बैंकॉक से लौटने के बाद वो बिहार के गुंडे सूरज भान की गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला यूपी बिहार का सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द साबित हो गया। उधर दूसरी तरफ पुलिस पर माफिया पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। 22 साल की उम्र में रेलवे के ठेके में माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने जब एंट्री मारी थी और उसे बिहार के माफिया सूरज भान दादा का शह मिला था। श्रीप्रकाश और माफिया सूरज भान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के एम्पायर को बहुत चोट पहुंचाई। वह दौर रेलवे के अफसरों के लिए चुनौती बन गया था। माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो गए और खुद को रेलवे के ठेकेदारों से दूर कर लिया। उस वक्त रेलवे का टेंडर लेना मतलब मौत को दावत देना जैसा था। बंदूक की नोक पर वो ठेकेदारी अपने नाम करवा लेता था। हालांकि माफिया श्रीप्रकाश के एनकाउंटर के बाद भी ये सिलसिला काफी समय तक जारी रहा। डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को उसने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर सनसनी फैला दी थी। 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ के अरुण कुमार को खबर मिली कि श्रीप्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। जैसे ही उसकी कार वसुंधरा एनक्लेव को पार की, एसटीएफ की टीम ने पीछा करना शुरू कर दिया। उस वक्त डॉन को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके पीछे एसटीएफ है। जैसे ही उसकी कार सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ की टीम ने अचानक उसकी कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी और वो जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या गैंगस्टर की इस कहानी को हम देख सकते हैं आने वाली फिल्म KGF चैप्टर 3 में? माल जाता है यहाँ से विदेश। चूहे अनाज खा जाते हैं जिससे अनाजों का काफ़ी नुकसान होता है, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि चूहों ने किसी के अरबों रुपए खा लिए हो? मुझे तो नहीं लगता, पर ऐसा सच में हुआ है। ये कहानी है दुनिया के एक ऐसे अमीर व्यक्ति की जिसके अरबों रुपए चूहे ने खा लिए। अमेरिका में पाब्लो एमियो एस्कोबार गैवेरिया नाम का एक आदमी रहता था जो कोकीन का व्यापारी था। ये कारोबार गैर कानूनी था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन में पाब्लो दुनिया का सातवां सबसे अमीर व्यक्ति था। पाब्लो एक गरीब परिवार से था और वो 6 भाई बहनों में से एक था। पढ़ने के लिए फीस ना होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एक दिन उसने कब्र के पत्थरों को चुरा कर उसे बेच दिया और यहीं से उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रखा। वो नकली लॉटरी की टिकटों को बेचता था, छोटे मोटे घोटाले करता था, यहाँ तक कि बैंक से निकलने वालों का पैसा भी लूट लेता था। फिर पाब्लो ने धीरे धीरे गैर कानूनी काम को करना शुरू कर दिया और इसी के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। 1970 में उसने नशीली दवाओं का व्यापार करना शुरू कर दिया और पहले उसने मेडलिन एग्जीक्यूटिव का अपहरण कर दिया और करीब $1,00,000 की फिरौती मांग कर अमीर हो गया। उसने हर जगह अपने नेटवर्क्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उनसे वो पैसा कमाता ही गया। अपना पावर और कंट्रोल बनाए रखने के लिए उसने वॉयलेंस और रिश्वतखोरी का इस्तेमाल भी किया। समय के साथ उसने इतिहास में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड्स में से एक के रूप में आपराधिक प्रतिष्ठा बनाई। एस्कोबार ने अपने पैसे का उपयोग राजनेताओं,
कानून प्रवर्तन यानी लॉ एनफोर्समेंट और सैन्य अधिकारियों को प्रभावित करने और भ्रष्ट करने के लिए भी किया था, जिससे उसे फ्री होकर काम करने की परमिशन मिल गई। वो बमबारी और हत्याओं जैसी अपनी क्रूर रणनीति के लिए भी जाना जाता था और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जाने लगा। कोलंबिया सरकार और अमेरिका ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसे पकड़ने या मारने के कई प्रयासों के बावजूद वो कई वर्षों तक न्याय से बचता रहा। वो बहुत ही शातिर और रसूख वाला व्यक्ति बन चुका था, जिसकी वजह से उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। पर आखिरकार वो दिन आ गया था जब 1993 में उसे ट्रैक कर लिया गया और उसे मार दिया गया, जिससे ड्रग लॉर्ड के रूप में उसका शासन समाप्त हो गया। कहते हैं पाब्लो ने इतना रुपया कमाया था कि अरबों रुपए तो चूहे खा जाते हैं। एक बिजनेसमैन का फोर्ब्स लिस्ट में आना तो नॉर्मल है, पर एक ड्रग माफिया का आना थोड़ा मुश्किल है, जिसको पाब्लो ने आसान कर दिया था अपने कारनामों से और वो दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी बन गया था। ऐसी ही अमीरी और ताकत की इच्छा रखने वाले माफिया की कहानी आपको KGF 3 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? में तस्करी का नायाब तरीका। स्मगलिंग के केसेस में मजा इसलिए नहीं आता कि किस चीज की स्मगलिंग हुई है, बल्कि इस चीज में आता है कि कैसे की गई है ये स्मगलिंग। चाहे कोकेन हो या फिर सोना, सभी को पता है स्मगलिंग कुछ ही चीजों की होती है। ऐसे में कैसे दिमाग लगाकर ये स्मगलिंग हो रही है, ये जानने वाली बात है। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से हैं जिनमें गोल्ड की तस्करी होती दिखी है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से थोड़े समय पहले गोल्ड की स्मगलिंग एक अजीब तरीके से हुई थी। स्मगल करने वालों ने एक नए तरीके से सोने को स्मगल करना चाहा। इस तरीके में गोल्ड को पिघलाया गया, बिल्कुल इतना छोटा जितना छोटा कोई चीज होता है, और फिर उसे आर्टिफिशियली एक महंगे फ्रूट में डाला गया। पूरे वर्ल्ड में डेट्स नाम का फ्रूट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इस फ्रूट में इस मेल्टेड गोल्ड के बीज डाल दिए गए थे। अब फ्रूट तो अलग से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इतनी कवरिंग के बाद इस चीज को स्कैनर भी एज इट इज निकाल रहा था। इतने सारे डेट्स और इतने सारे डेट्स में ये गोल्ड के बीज, भाई वाह क्या स्ट्रेटजी है। काम भी हो रहा था और किसी को खबर भी नहीं मिल रही थी। हम आपको बता दें कि इंडिया में लगभग 700 केजी गोल्ड हर दिन स्मगल होता है, और ऐसे में सिर्फ एक तरीका नहीं है, स्मगलर्स अलग अलग तरीके से जैसे फोन्स के चार्जेस में, यहाँ तक कि अपने दांतों के कैविटीज में भी छुपाकर स्मगल कर रहे हैं। मगर इन सब में हमारा फेवरेट तो डेट्स वाला ही है। उसे पकड़ने में काफी टाइम लग गया था, जब तक पता चला ये गोल्ड दुबई से इंडिया में आ रहा था, और वो भी छोटे छोटे सीड्स के शेप। अब जाहिर सी बात है, जब सोना दुबई में सस्ता है तो उसकी इंडिया में डिमांड भी खूब होगी। मगर इंडिया से भी ऐसे ही गोल्ड स्मगल किया जाता है, क्योंकि सोना यहाँ का खरा होता है।
इसलिए सोने की माइंस मिली नहीं कि किस्मत खुल जाती है। और स्मगलिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे हैवी टैक्स बचाया जा सकता है। और ऐसे में स्मगलिंग को कम ही लोग मिलकर पूरा करते हैं। आखिर जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही खतरा होगा। इसलिए ही प्लान को सोचने के बाद इसका एग्जीक्यूशन भी खुद ही देखना पड़ता है, क्योंकि पकड़े गए तो हम सबको पता है क्या होता है, मगर स्मगलर्स को कहां किसी का डर लगता है। ऐसे में भला क्या रॉकी भाई को लग सकता है किसी से डर? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए ही वो इस बार की तस्करी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करते हुए दिखेंगे। देखना ये होगा कि कैसे। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले हमारा ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, किसे मालूम था कि अफगानिस्तान के एक गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हां, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया। और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा। और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था। लेकिन पर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई। और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगडू अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF पार्ट 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई। और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। और ऐसे में इस फिल्म की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आपको बताते चले कि सन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का ये डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। मुंबई की सबसे बड़ी आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस लगी हुई है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रेड कॉर्नर नोटिस वही है जो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है, यानी वो दोषी है। वहीं अरेस्ट वारंट से रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है।
दोस्तों आपको बता दें कि उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, इसीलिए उन्हें खर्चे चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी सोबत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीना नाम की लड़की से कर दी, लेकिन वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता जा रहा था। आपको बता दें कि दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा, फिर इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से ही निकाल दिया था। दोस्तों घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग का नाम दिया डी कंपनी। दोस्तों ऐसे ही किसी डॉन और टॉप 10 अपराधी की लिस्ट KGF 3 की कहानी में शामिल हो सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों किसे मालूम था कि अफगानिस्तान के एक गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हाँ, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने से पहले उसे खुद को भी ये मालूम नहीं था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। पहले उसने मुंबई गुड़ी में अपना काम करना शुरू किया और फिर बाद में पठान के एक गिरोह में शामिल हो गया, जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इल्लीगल वसूली एजेंट के रूप में काम करना शुरू किया और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हुआ। दोस्तों लाला ने जल्दी पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका ये व्यापार भी बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही हाजी मस्तान और वरदराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से 80 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से उसके संबंध काफी बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इल्लीगल बिजनेसेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था, लेकिन पर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े इल्लीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं पाई। और ऐसी ही गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगडू अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें कि एक गैंगस्टर गोल्ड की इल्लीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। विजय द्वारा प्रोड्यूस की गई KGF फ्रेंचाइजी बहुत हिट रही थी और लोगों को काफी पसंद आई थी। वैसे तो इस फिल्म की स्टोरी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मेकर्स ने KGF पार्ट 2 रिलीज की तब इस फिल्म की स्टोरी लाइन ऑडियंस को ज्यादा क्लियर हुई और अब इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि हमारे बाहुबली यानी कि प्रभास भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ऐसे में इस फिल्म की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। से करोड़ों तक, यूं तो हमने ऐसे कई बिजनेसमैन और ऐसे कई लोगों की कहानियां तो सुनी जो कि छोटे शहरों से लेकर अपने आप को करोड़पति के दर्जे तक ले गए, लेकिन अगर एक ऐसे आदमी के बारे में जाना जाए जो कि काफी ज्यादा अजीब माना जाता था, तो एक ही आदमी का नाम सबके सामने आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिमोथी डेक्स्टर की। अमेरिका में 18वीं सदी में टिमोथी डेक्स्टर नाम का एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने कई ऐसी डील की जो कि काफी ज्यादा आम डील मानी जाती थी, लेकिन इसके बाद भी उसको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बचपन से ही टिमोथी डेक्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा माहिर और लेजेंडरी समझा करता था।
उसने 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और ये फैसला किया कि वो कारोबार में हिस्सा लेकर पैसा कमाएगा। अपनी शुरुआत करने के लिए उसने कोयले का साथ लिया। जी हाँ, डेक्स्टर अपने शहर में कोयला बेचा करता था, जहाँ शुरुआत में कोयला बेचकर उसे फायदा तो होता था लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसके बाद उसने रजाई बेचनी शुरू कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचना शुरू करने के बाद उसने खूब दौलत कमाई। वो एक अनपढ़ आदमी से एक करोड़पति बन बैठा। जैसे ही उसके आसपास के लोगों को ये पता चला कि वाकई में ऐसी छोटी छोटी चीजों को बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमाता है, तो उन्होंने उसे हराने की कोशिश की। जी हाँ, इन सभी लोगों ने मिलकर टिमोथी डेक्स्टर को काफी ज्यादा बुरे आइडियाज दिए, जिसमें कि ऐसे ऐसे चीजों पर पैसा लगाने के लिए कहा जो कि उसको काफी ज्यादा नुकसान करवाते। ऐसे ही बुरी सलाह देने के बाद उन्हें लगा कि डेक्स्टर अपने सारे पैसे लौटा देगा और उस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। किसी ने उसे कहा कि वो खाना बनाने के बर्तनों को खरीदे और उन्हें बेचना शुरू करे। ऐसा कहने पर उसने 40,000 ऐसे बर्तनों को खरीद लिया और बेचना शुरू किया। सभी को ऐसा लगा कि ऐसी बेवकूफी चाल के बाद टिमोथी डेक्स्टर धीरे धीरे अपने सारे पैसे लुटा देगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। लोगों ने डेक्स्टर से बड़े बड़े दामों पर ये सारे बर्तन खरीदे हैं और उसका नाम और उसकी दौलत बढ़ती ही गई। सभी को ये लगने लगा कि डेक्स्टर एक पागल इंसान है, लेकिन वाकई में उसे बिजनेस करना आता था और वो छोटे से छोटे सामान को बेचने में भी शर्म नहीं करता था। कुछ ऐसे ही उसने एक छोटे से किसान के परिवार से लेकर अपने आप को न्यूपोर्ट शहर का शहंशाह बना दिया। क्या KGF 3 में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसी ही कहानी। जल्दी रिलीज होने वाली बड़ी टॉलीवुड मूवी KGF Chapter 3 की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ने वाली है। तो अब रमिका का खत पाने के बाद रॉकी भी जंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो जंग के लिए बस खुद को और अपने एक साथी को ही तैयार कर रहा होता है। वो किसी और को लड़ाई में शामिल करना नहीं चाहता और खुद अपनी जंग जीतेगा। अब शाम होने लगती है। शाम के समय भारी बारिश का माहौल हो जाता है और जैसे तेज आंधी आ रही होती है। रमिका ठीक 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर रॉकी का इंतजार करती है। ठीक 7:05 पर रॉकी वहां अपने साथी के साथ आता है और यहां रिवील होता है कि आखिर रॉकी का ये स्पेशल साथी कौन है। तो दोस्तों, रॉकी के साथ पूरे समय सलार होता है, जो इस वक्त सारा काम संभालता है और पूरे समय बिना कुछ बोले बस रॉकी की आज्ञाओं का पालन कर रहा होता है। अब आमने सामने होते हैं रॉकी सलार और रमिका और भगीरा। भारी बारिश में दोनों टीम्स के सामने खड़े होते ही बिजली चमकने लगती है और रमिका बिना कुछ बोले अपना हाथ समुद्र की तरफ पॉइंट करती है। समुद्र में एक शिप खड़ी होती है और उसे कपड़े से ढका हुआ होता है। उस पर कुछ लोग भी सवार होते हैं जो कि रमिका के आंखों के इशारे पर उस कपड़े को हटाते हैं और रॉकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस शिप में उसका सारा सोना होता है। यहाँ रॉकी की हवा टाइट हो जाती है। रमिका कहती है, यही चाहते थे ना तुम, तुम्हारा सारा सोना डुबाना। पिछली बार नाकामयाब रह गया, लो इस बार मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब तुम्हारी जंग मुझसे नहीं, इस समुद्र से है। जाओ, बचा सको तो बचा लो अपनी अमानत। और रॉकी और सलार भागते हुए समुद्र तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि शिप तक चढ़ सके, लेकिन असल में वो ऐसा कर नहीं पाते कि तभी शिप से ही एक आदमी नीचे एक छोटी सी बोट में आकर रॉकी और सलार को अपने साथ ऊपर ले आता है। वो आदमी रमिका की टीम का होता है, पर रॉकी ने उसे पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। और रॉकी और सलार शिप पर सवार हो जाते हैं, जिसके बाद सारा सोना उनका हो जाता है और वो वहां से उसकी बड़ी शिप पर रवाना हो जाते हैं और रमिका सेन बस देखती रह जाती है। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस कहानी में और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। क्या रुकावटें आएंगी पोर्ट पर? मुंड्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। 1998 में खुला था, जिससे पहले देश में सिर्फ एक और पोर्ट था, पोर्ट पिपरगांव। बड़े बड़े स्टोर्स, हाउसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कार्गो शिप्स सब यहीं रहती हैं। अफ्रीका हो या मिडिल ईस्ट, सभी का सामान यहीं लोड होता है। लगभग 70% इम्पोर्ट्स यहीं पर आते हैं, जो कि पूरे देश में इसे नंबर 1 बनाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पूरा काम अच्छी खासी एडवांस मशीन्स और आर्टिफिशियल कंट्रोल मशीन से किया जाता है।
ऐसे में पोर्ट ऑपरेटर को चार्जेस मिलते हैं जिससे पोर्ट की मेंटेनेंस भी होती है और ऑपरेशन भी चलते रहते हैं। अलग अलग तरीके की मशीन जैसे ग्रैब शीट अनलोडर्स और मोबाइल हार्बर क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। अब ये मशीन बड़े बड़े इंजीनियर्स बनाते हैं और तो और इसकी खास देख रेख भी की जाती है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इतनी बड़ी मशीन का फायदा ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा काम होता है और वो भी कम से कम वक्त में। इसीलिए ही तो मुद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का। ऐसे में बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट सभी के सभी यहीं आते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सभी सामान के लिए अपने अपने वेयर हाउसेस बने हुए हैं। ऐसे में हर तरीके का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक ऑथराइज्ड कलेक्टर आकर सामान लेकर नहीं जाता। ये सामान कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता बल्कि बड़े बड़े बिजनेस वालों का रॉ मटेरियल होता है, तो कभी कभी इन्वेंट्री भी आती है। फॉरेन का इंपोर्ट का सामान यहीं पर उतारा जाता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहीं से चढ़ते हैं। इंडिया का सारा एक्सपोर्ट्स का माल जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जाता है वो इसी पोर्ट से रवाना होता है। खास स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये सामान लोड किया जाता है। ये स्कैनर्स काफी स्ट्रांग होते हैं और इनकी रेज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है, इसीलिए स्मगलिंग के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं। आखिर पोर्ट ऑपरेटर क्यों ही अपना धंधा बंद करवाना चाहेंगे? इसके अलावा सबको पता है कि सिर्फ एक से चेकिंग नहीं होती बल्कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इस रास्ते से स्मगलिंग करवाना काफी मुश्किल होता है। कोई बड़ा आदमी ही जो सिस्टम में हो वही सिर्फ इसे आसानी से निकलवा सकता है, बाकी तो इस रास्ते से तस्करी करवा पाना मुश्किल। बस यही गुत्थी केजीएफ में रॉकी भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने को मिल सकता है। तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। ये 1998 में खुला था जिससे पहले देश में सिर्फ एक पोर्ट था, पोर्ट पीपाबाव। बड़े बड़े स्टोर हाउसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कार्गो शिप सब यहीं पर रहती है। अफ्रीका हो या फिर मिडल ईस्ट, सभी का सामान यहीं पर लोड होता है। लगभग 70% इम्पोर्ट्स यहीं पर आते हैं जो कि पूरे देश में इसे नंबर वन बनाते हैं। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी मशीन्स का फायदा ये है कि अधिक से अधिक काम होता है और वो भी कम से कम वक्त में। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा ऑपरेशनल पोर्ट है इंडिया का। ऐसे में बड़ी बड़ी कार्स, बड़े बड़े कंसाइनमेंट सभी के सभी यहीं पर आते हैं। इतना ही नहीं, इस सिस्टम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि सभी सामान के लिए अपने अपने वेयर हाउसेस बने हुए हैं और ऐसे में हर तरीके का सामान तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि ऑथराइज कलेक्टर आके उसे कलेक्ट करके लेना जाए। ये सामान कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का रॉ मटेरियल होता है, या तो कभी कभी इन्वेंट्री भी आती है। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन का इंपोर्ट यहीं से किया जाता है और सामान भी यहीं पर उतरता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी यहीं से चढ़ते हैं। इंडिया का सारा एक्सपोर्ट्स का माल जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट में जाता है वो इसी पोर्ट से रवाना किया जाता है। खास स्कैनिंग और वेरिफिकेशन के बाद ये सामान लोड किया जाता है। ये स्कैनर्स काफी स्ट्रांग होते हैं और इनकी रेज बिल्कुल पेनिट्रेट हो जाती है और इसीलिए स्मगलिंग के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाते हैं। आखिर पोर्ट ऑपरेटर क्यों ही अपना धंधा बंद करवाना चाहेगा? और इसीलिए सबको पता है कि सिर्फ एक स्टेज चेकिंग नहीं होती बल्कि मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं और इसीलिए इस रास्ते स्मगलिंग करवाना काफी मुश्किल होता है। कोई बड़ा आदमी हो जो कि सिस्टम में हो तभी ये सब चीज पॉसिबल हो पाएगा, बाकी तो इस रास्ते से तस्करी करवाना बहुत मुश्किल है। बस यही गुत्थी केजीएफ में रॉकी भाई कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। आपके लिए एक खास चीज है, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो है फॉरेन माफिया गैंग। क्या एक तीर से दो निशाने लगा रहा था सालार? क्या थी सालार की प्लानिंग? तो दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे रॉकी ने फरहान पर भरोसा दिखाकर उसे फॉरेन भेजा और किसी छोटे काम के लिए नहीं बल्कि अपने गोल्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन फरहान ने गोल्ड के बिजनेस के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें शुरू कर दी थी जिसकी वजह से वो बना सालार और उन सब क्राइम्स का जिम्मेदार बना रॉकी, क्योंकि सालार का सारा गैर कानूनी काम और इलीगल बिजनेस सब रॉकी के नाम से ही चलते थे और इसी वजह से रॉकी पर नजर पड़ी फॉरेन के एक बड़े माफिया गैंग की, जिसने सबसे पहले तो रॉकी को फोन करके ये खबर पहुंचाई कि उसके बिजनेस की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही है जिसे उसे सुधारना होगा।
अब ये पहली बार था कि रॉकी को किसी ने बिजनेस के लिए टोका था, तो वो सीधे सालार को फोन करता है और कहता है, मैंने तुझे वहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाने को भेजा था, लेकिन बिजनेस किस दिशा में बढ़ेगा और किस हद तक पहुँचेगा ये भी ध्यान तुझे ही रखना है। खबर है कि किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को अपने बिजनेस से तकलीफ हो रही है। अब इसके जवाब में सालार उसे कहता है, पता नहीं भाई, मैं बिजनेस को बड़े लेवल पर संभालता हूँ, ये छोटे मोटे गुंडों को इससे कोई तकलीफ होती है तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो सुनते ही रॉकी उसे सिर्फ एक बात ही कहता है, कभी किसी छोटे मोटे गुंडे को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, एक चींटी ही हाथी को पलटने के लिए काफी होती है, और यही इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। फिलहाल रॉकी इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि फरहान है, सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वहाँ फरहान अब सालार बन चुका था और उसे अपने नाम को एक ब्रांड बनाना था, जिसके लिए वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था, जिसमें पहला निशाना था दुनिया के ज्यादा से ज्यादा हथियार और गोल्ड का बिजनेस अपने हाथ में लेना, और दूसरा था रॉकी। असल में वो ये सब बिजनेस अपने नाम से भी चला सकता था क्योंकि उसे नाम ही तो चाहिए था, लेकिन रॉकी की तरह उसके भी कुछ उसूल थे जो उसे किसी फेंकी हुई चीज को उठाने से इनकार करते थे। इसीलिए सालार ने प्लान बनाया अंडरवर्ल्ड माफिया से रॉकी को मरवाने का। वो बदले में उन्हें रॉकी का आधा बिजनेस दे देता और उसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम चाहिए था, अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला और रॉकी को मारने वाला सालार। लेकिन इसके साथ ही वो अपना दूसरा तीर चला रहा था खुद माफिया गैंग पर, जो एक तरह फिर रॉकी को मारेगी और सालार द्वारा रॉकी की सेना भड़काएगी और उन्हें खत्म कर देगी। यहाँ से KGF भी, उसकी और अंडरवर्ल्ड भी। लेकिन अब क्या वो अपने इन सपनों को पूरा कर पाएगा? क्या रॉकी को मारना सच में इतना होगा आसान? अब सवाल तो वेल दोस्तों बहुत सारे हैं। आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी बहुत क्यूरियस होंगे कि आगे क्या होगा। डोंगरी से दुबई तक का सफर। महाराष्ट्र के गांव में एक मुस्लिम परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का, किसे पता था कि वो एक दिन मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बनेगा। पर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि उसके पिता मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ। वैसे तो कहा जाता है कि आपके माँ बाप जिस पेशे में होते हैं बच्चे भी वही काम करते हैं, पर दाऊद के केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैसों के दम पर दुनिया की नाक में दम करने वाला दाऊद इब्राहिम शुरू से ही ऐसा नहीं था। दाऊद एक बहुत ही गरीब परिवार से था, इसलिए उसे हमेशा अपने जरूरतों को मारना पड़ता था। उसका परिवार इतना गरीब था कि वो एक समय की रोटी के लिए भी मोहताज हुआ करता था, और इसी गरीबी के चलते उसे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जिसे आज उसे दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। वैसे तो बचपन में वो बड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने चोरी, धोखाधड़ी और डकैती करना शुरू कर दिया, और वो एक गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गृहों में शामिल हो गया, और उसने बहुत सारे लीगल बिजनेस करने शुरू कर दिए, जैसे कि सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, जबरन वसूली और ड्रग्स की लीगल सप्लाई। लोग उसे डोंगरी का राजा कहते थे। वो 1986 में भारत छोड़कर दुबई भाग गया था और तब से भारत की सरकार उसे ढूंढ रही है। उसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1993 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड घोषित कर दिया गया है। दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे लीगल बिजनेस किए हैं, जैसे ड्रग्स की सप्लाई। उसने 2018 के मुंबई हमलों में केमिकल्स की सप्लाई की थी। दाऊद ने न जाने कितने ही मर्डर्स किए हैं, और इतना कुछ करने के बाद भी भारत सरकार उसे अभी तक पकड़ पाने में असफल रही है। न जाने वो आगे और कितना अपराध करेगा और आगे चलकर कितने मासूमों को अपना शिकार बनाएगा। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरागंडूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। बहुत जल्द मेकर्स इस हिट फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट भी लाने वाले हैं, जिसके लिए ऑडियंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा था। तो पार्ट 3 की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल पॉलीराइज स्टूडियोज में। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड की। द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जो इंडिया के सबसे पुराने बैंक्स में से एक है, जिसके हेडक्वार्टर्स पुणे में लोकेटेड है। 11 और 13 अगस्त 2018 को कुछ इंटरनेशनल हैकर्स की एक टीम ने कॉस्मोस बैंक के सर्वर को हैक कर लिया। इस हाइस्ट के दौरान कॉस्मोस बैंक से अलग अलग मीडियम से टोटल 94 करोड़ की चोरी होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से हैरान थे
कि उन्हें इस फ्रॉड की जानकारी उनके CBS से न मिलके वीजा और स्विफ्ट जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से मिल रही है। दरअसल हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक करके इनएक्टिव कर दिया था, जिसकी वजह से CBS बैंक को इन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स इस हैकिंग के पीछे का प्लान ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि हैकर्स ने बैंक के ATM इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मालवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया है। एक बार जैसे ही ये वायरस ATM से होता हुआ बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर हुआ, उसने ATM और CBS का कनेक्शन डिले कर दिया, जिससे कि वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट हो गया और ATM फेक बैलेंस अकाउंट शो करने लगे। इन फेक बैलेंस को शो करते हुए हैकर्स ने ATM से अनऑथराइज्ड कैश विड्रॉ किए। इन कैश को विड्रॉ करने के लिए हैकर्स ने क्लोन ATM कार्ड्स की मदद ली। इन्वेस्टिगेटर्स को आगे जांच करने पर पता चला कि इन हैकर्स ने सभी क्लोन ATM कार्ड्स की डिटेल भी डार्क नेट से एक्सेस की थी, जहां इंडिविजुअल की ऐसी इन्फॉर्मेशन सेल की जाती है। क्योंकि हैकर्स ने CBS और ATM का कनेक्शन भी हैक किया था, इसलिए ATM से निकाला गया कोई भी पैसा बैंक्स में नहीं शो हो रहा था। 11 अगस्त को 3 बजे से रात 10 बजे तक हैकर्स ने इंडिया समेत 31 कंट्रीज में 80 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए थे। लेकिन हैकर्स यहां भी नहीं रुके और 13 अगस्त को हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक के पैसों को स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग के हैंग सैंग बैंक के ALM ट्रेडिंग लिम में ट्रांसफर करने का प्लान किया। जब स्विफ्ट को इस ट्रांजैक्शन को लेकर शक हुआ तो उसने कॉस्मोस बैंक को इन्फॉर्म किया और इस साइबर फ्रॉड का पता लगाया। पुणे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दम पर इंडिया में 18 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया, जिन्होंने ATM से पैसा विड्रॉ किए थे। लेकिन ये अरेस्ट किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया था उन्होंने केवल ATM से पैसा विड्रॉ किए थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आज तक पुलिस इस साइबर फ्रॉड के पीछे के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन अभी भी ये केस चल रहा है और पुलिस उन हैकर्स की तलाश में है। उम्मीद है कि इस बार KGF में रॉकी भाई कुछ ऐसा ही साइबर फ्रॉड करते नजर आएंगे और दुनिया भर का पैसा और सोना लूटेंगे। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यून बना गोल्ड स्मगलर, ये कहानी है अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमोन की, जिसका जन्म 1960 में मुंबई के अली रोड इलाके में इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक नदीम मेमोन के तौर पे हुआ था। इब्राहिम के परिवार में माता पिता के अलावा 5 छोटे भाई थे। इब्राहिम के परिवार की हालत बहुत खराब थी, इसलिए 10th तक पढ़ने के बाद उसने एक बैंक में प्यून की नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि ये नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि इब्राहिम के काम को लेकर बैंक के मैनेजर से झगड़ा हो गया। इब्राहिम प्यून की नौकरी छूटने के बाद कुछ दिनों काम की तलाश में काफी भटका, तब जाकर उसे ड्राइवर की नौकरी मिली। इब्राहिम अब फेमस स्मगलर मोहम्मद मुस्तफा दौशा की गाड़ी चलाने लगा। इसी बीच मुस्तफा दौशा ने इब्राहिम की मुलाकात दुबई के फेमस स्मगलर याकूब भट्टी से कराई, जिसके बाद इब्राहिम गोल्ड की स्मगलिंग में याकूब का काम देखने लगा। कुछ ही सालों के अंदर इब्राहिम की दोस्ती पाकिस्तान के स्मगलर तौफिक से हो गई, जिसके बाद इब्राहिम जल्द ही एक बड़ा नाम बन गया। अपने काम को लेकर एक मजबूत प्लान और फर्टाइल पैन की वजह से इब्राहिम को टाइगर नाम दे दिया गया। स्मगलिंग से कमाए हुए पैसों से इब्राहिम ने मुंबई में कुछ इलेक्ट्रिक की दुकानों की शुरुआत की, लेकिन 1992 में हुए मुंबई दंगे में इब्राहिम की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने महीनों बाद 12 मार्च 1993 में मुंबई में बम धमाकों को अंजाम दिया। ये देश का सबसे खतरनाक धमाका था, जिसका मास्टरमाइंड इब्राहिम AK टाइगर मेमोन था। इस धमाके में दाऊद इब्राहिम ने विस्फोटक सामग्री और वेपन्स की फंडिंग की थी, जबकि इस पूरे धमाके को अंजाम इब्राहिम ने अपने भाई याकूब मेमोन के साथ मिलकर किया था। इस धमाके के बाद टाइगर देश छोड़कर भाग गया। बाद में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इब्राहिम के पाकिस्तान के कराची में होने का पता चला। इब्राहिम आज भी इंडियन खुफिया एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के तौर पे शुमार है, हालांकि वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। यू तो एक ऐसा गैंगस्टर बनना जो कि अपने और अपने गैंग की पूरी जिम्मेदारी उठाए और साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों में अपना डर बनाए रखे, ऐसा बनना कोई आसान काम नहीं। जी हाँ, जहाँ फिल्मों में हमें ऐसे ही कई गैंगस्टर देखने को मिल चुके हैं जो कि शायद से हंसी मजाक वाले किरदार दिखाए गए हैं, वहीं असल जिंदगी में एक गैंग चलाना और उसके साथ अपने दुश्मनों से आगे रहना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसी फीमेल गैंगस्टर रह चुकी है जिसने ये साबित कर दिया कि वो किसी से डरती नहीं थी। दरअसल अमर नायक नाम का एक ऐसा गैंगस्टर हुआ करता था जिसका बहुत बड़ा गैंग था
और उसका डर पूरे शहर में फैला हुआ था। लेकिन उसको एक अटैक के बाद अपने इस शौक को छोड़ना पड़ा और वो जिंदगी भर के लिए एक व्हीलचेयर के साथ फंस गया। जब उसके इस हालत का उसके भाई को पता चला तो अमर नायक का भाई, जो कि लंदन में एक पढ़ा लिखा बैंकर हुआ करता था, वापस इंडिया लौट आया और उसने अपने भाई के गैंग को संभालने का फैसला किया। उसका नाम अश्विन नायक था। अश्विन नायक यूं तो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था, लेकिन असल जिंदगी में उसे जरूरत थी एक ऐसे साथी की जो कि किसी से ना डरता हो, और उसकी मदद की उसकी बीवी नीता ने। नीता एक ऐसी औरत थी जो किसी से नहीं डरती थी और वो अपने गैंग को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जुनून रखती थी। कुछ समय बाद अश्विन नायक और नीता ने अपने गैंग को काफी बड़े लेवल तक पहुंचा दिया और साथ ही में उनके दुश्मन भी बहुत बड़े हो गए। एक बार एक ऐसे अटैक में अश्विन नायक को टारगेट किया गया, जिसके बाद अश्विन को एक गोली लगी और उसे देश भी छोड़ना पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने अकेले पूरी गैंग की जिम्मेदारी संभाल ली और नीता का नाम और बुलंद हो गया, लेकिन अश्विन को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। कुछ समय बाद नीता ने शिवसेना से हाथ मिलाया और उनके साथ मिलकर एक कॉरपोरेटर बन गई। अश्विन अपनी बीवी को एक आम सी हाउसवाइफ से इतने बड़े गैंगस्टर में तब्दील होते देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और इस वजह से अश्विन और नीता के बीच भी एक बहुत गहरी दरार आ गई। इसके बाद नीता को अपने पति यानी कि अश्विन के ऑर्डर पर मरवा दिया गया, जहां इसके बाद नीता ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन आज भी नीता एक ऐसी गैंगस्टर के नाम से जानी जाती है जिसको किसी का डर नहीं था। किसे पता था अफगानिस्तान के गांव में जन्मा साधारण सा एक लड़का आगे जाके मुंबई का माफिया डॉन बनेगा। जी हाँ, आज की कहानी है करीम लाला के बारे में। करीम लाला के बचपन का नाम करीम शेख था। करीम लाला 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई आया। वो बहुत गरीब परिवार से था। मुंबई में उनका परिवार साउथ बॉम्बे के सबसे घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार के पास बस गया। शायद मुंबई आने के पहले उसे खुद भी नहीं पता था कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, लेकिन यहाँ की चकाचौंध ने एक मामूली इंसान को गैंगस्टर में तब्दील कर दिया और मुंबई आने के बाद उसका गैंगस्टर करियर शुरू हुआ। जतिया पश्तून के एक गिरोह में शामिल हो गया जिसमें मारवाड़ी और गुजराती जमींदारों और व्यापारियों के लिए इलीगल वसूली एजेंट के रूप में करने लगा और यहीं से उसका करीम शेख से करीम लाला बनने का सफर शुरू हो गया। लाला ने जल्द ही पठान गैंग का चीफ बनने के लिए अपने काम का दायरा बढ़ा दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली भी करने लगा और धीरे धीरे वो अपने काम में परफेक्ट हो गया और उसका व्यापार बढ़ता गया। लेकिन इससे उसके साथ ही मस्तान और वर्दराजन जलने लगे और उनके बीच विनाश की लड़ाई शुरू हो गई। फिर तीनों ने साथ मिलकर अपने काम और स्थान का विभाजन किया। अपने समय में लाला के संबंध बॉलीवुड सेलिब्रिटी से काफी अच्छे थे। वो अक्सर बड़ी हस्तियों को ईद और पार्टियों में बुलाया करता था। 1970 से लेकर 1980 के दशक में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उसके संबंध बढ़ने लगे थे। करीम लाला के बहुत इलीगल बिजनेस थे, पर अपने साथियों की तुलना में उसका जीवन काफी सादगी भरा था, लेकिन फिर भी बिजनेस में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े इलीगल बिजनेसेस करने के बाद भी भारत की सरकार उसे कभी पकड़ नहीं सकी। ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं केजीएफ के मेकर्स केजीएफ 3 में, जिसमें गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। हेलो, मैं हूं पूर्णिमा, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियो। दुनिया में एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया है, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा कोई भी नहीं। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से फेमस था। पाब्लो इतना शातिर और खतरनाक था कि दूसरे खूंखार तस्कर भी उसे हफ्ता देते थे। इतना ही नहीं, दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए ना 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। पाब्लो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था। इस दौरान उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टल बनाया था। पाब्लो ने ड्रग्स के धंधे में ना काफी पैसा कमाया था। 80 के दशक में दुनिया भर के करीब 80% बाजार पर पाब्लो के मेडेलिन कार्टल की भागीदारी। पाब्लो को मरवाने के लिए ना उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। पाब्लो के कारोबार में जिस किसी ने भी टांग अड़ाई ना, उसने उसकी हत्या करवा दी।
अपने दुश्मन की कार बम से उड़वाना हो या फिर किसी बड़े नेता की जान लेना हो, पैब्लो के लिए ये सब अब मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक उड़वा दिया था। इतना ही नहीं, कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने के लिए उसने ना सुप्रीम कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पैब्लो ने करीब 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीब 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पैब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे से ना इतना पैसा कमा लिया था कि एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीब 2500 अमेरिकी डॉलर को सिर्फ रबर बैंड खरीदने पे ही खर्च कर देता था, जिससे वो अपने पैसों को बांध सके। पैब्लो के पास अमेरिका के मशहूर मियामी बीच पर 6500 वर्ग फीट में फैला एक आलीशान बंगला भी था। पैब्लो एस्कोबार विमान के टायरों में कोकेन को छुपाकर एक देश से दूसरे देश में बेचता था। इसके लिए वो प्लेन के पायलट्स को लाखों डॉलर की घूस देता था। पैब्लो का व्यवसाय इतना बड़ा था कि विमानों, हेलीकॉप्टर, कारों, ट्रकों और नावों के अलावा उसने अमेरिका कोकेन ले जाने के लिए 2 पनडुब्बियां भी खरीदी थी। और ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग कर एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो हम जब भी एक गैंगस्टर के बारे में सोचते हैं तो हमें खूंखार आदमी का चेहरा सामने हमेशा नजर आता है। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आपका दुश्मन और ऐसे ही किसी गैंगस्टर की शक्ल एक खूंखार आदमी से मिलती जुलती नहीं होती, बल्कि एक भोली सी औरत से मिलती जुलती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था जब गुजरात में संतोख जडेजा नाम की एक गैंगस्टर ने अपना कमाल सबको दिखाया। पहली नजर में आपको जडेजा को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बहुत शातिर गैंगस्टर हो सकती है। उनकी शक्ल एकदम प्यारी सी गुजराती औरत के जैसी है, लेकिन उनकी मौत के सालों बाद भी आज भी पोरबंदर राजकोट वाले इलाके में उनके नाम का कहर सब जानते हैं। दरअसल जडेजा ने इस रास्ते को तब चुना जब उनके पति, जो कि एक साल में काम करते थे एक मिल में, एक बहुत ही दिल दहला देने वाली मर्डर का शिकार बने। उन्होंने ये फैसला किया कि अपने पति का बदला लेने के लिए वो पुलिस के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आम से मिल में काम करने वाले आदमी की मौत पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात ना हो, और इसलिए उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। अपनी कुछ साथियों के साथ जडेजा ने 14 लोगों को मार दिया जो कि उनके पति के मर्डर में मिले हुए थे, और साबित कर दिया कि एक भोली सी सूरत का मतलब ये नहीं है कि वो बदला लेना नहीं जानती। वो काठियावाड़ इलाके में माफिया क्वीन के नाम से जानी गई और अंडरवर्ल्ड में घुस गई। अंडरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा मशहूर औरतों में से एक मानी जाती है। यही नहीं, बल्कि क्राइम और बदले की इस दुनिया से एक अलग दुनिया भी उन्होंने बसाई। वो 1990 से लेकर 1995 तक जनता दल की एक कैंडिडेट के तौर पर भी जानी जाती है। वो उस समय के लिए इस इलाके की MLA भी रही है। वो मशहूर चिमन भाई पटेल की काफी करीबी दोस्त भी थी। इस गैंगस्टर ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो जो चाहे कर सकती है, और अपने पति के बदले से अंडरवर्ल्ड में अपना नाम फैला दिया। उनकी लाइफ से हमें इंस्पायर्ड एक बहुत मशहूर फिल्म भी देखने को मिली है, जिसका नाम है गॉड मदर, जिसमें शबाना आजमी ने उनका किरदार निभाया है। वो एक ही ऐसी गैंगस्टर है जो कि अपनी कहानी से किसी भी बहुत बड़ी फिल्म को इंस्पायर कर सकती है। तो क्या लगता है आपको, क्या KGF चैप्टर 3 में भी हमें कोई ऐसी ही लेडी गैंगस्टर की कहानी देखने को मिलेगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर अपना नाम बनाना कोई भी आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर इतना जज्बा है कि आप अपने और अपने गैंग के सभी साथियों का ख्याल रख सकते हैं, और साथ ही में अपना डर अपने आसपास के सभी लोगों में बरकरार रख सकते हैं, तो आपसे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं बन सकता। यूं तो हमने काफी ज्यादा कम ही लेडी गैंगस्टर के बारे में सुना है, वही ये लेडी गैंगस्टर अक्सर किसी न किसी बड़े डॉन या फिर किसी बड़े गैंगस्टर की कोई रिश्तेदार होती है, जिसने मुश्किलों के समय में अपने गैंग की रखवाली करने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया। लेकिन शिल्पा जावेरी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। शिल्पा जावेरी एक ऐसी गैंगस्टर थी जो अपनी मर्जी से अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बनी, और जिसने ये साबित कर दिखाया कि वो
अपने गैंग के सभी मेंबर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक बड़े डॉन के लिए हमेशा तैयार है और उनकी हर तरह से मदद कर सकती है। जी हाँ, शिल्पा खूंखार गैंगस्टर समद खान की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूं तो शिल्पा किस किस जुर्म के पीछे थी ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन ये बात सब जानते थे कि जब भी उनकी किसी दोस्त या किसी भी साथी को किसी तरह की मदद की जरूरत होती थी तो शिल्पा अपनी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने गैंग के सभी लोगों की मदद कर सके। कई बार उनके काफी साथियों को उन्होंने पैसे से और कई क्राइम से मदद करी थी, लेकिन सबसे मशहूर दास्ता है जब उन्होंने अपने ही दोस्त समद खान के लिए एक ऐसा जोखिम उठाया जहां वो पुलिस की आंखों के सामने से इतने बड़े डॉन को फरार कर ले गई। हुआ ये कि समद खान काफी समय से पुलिस की पकड़ में था और जब उसको रिहा किया गया तो शिल्पा ने उसे कार में बिठाकर फरार कर दिया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि दरअसल समद खान जब रिहा हुआ तो पुलिस उसे एक दूसरे मामले के लिए अरेस्ट करने के लिए तैयार थी और उसे फिर से जेल भेजने की फिराक में थी। रिहाई के वक्त जब शिल्पा ने अपनी गाड़ी में उसे बिठाया तो रोड के दूसरी तरफ पुलिस उस पर नजर गड़ाए बैठी थी, लेकिन उतने में शिल्पा ने तेज रफ्तार कार ने एंट्री और समद को लेकर फुर हो गई। समद खान एक ऐसा गैंगस्टर था जो कि मशहूर डॉन करीम लाला का भतीजा था। ऐसे में शिल्पा जावेरी के करीम लाला के साथ भी काफी अच्छे ताल्लुक रखती थी। कुछ समय बाद समद खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन शिल्पा जावेरी का नाम आज भी लोग इस कहानी के लिए जानते हैं। यकूजा गैंग एक जापानी गैंग है जो कि 17वीं शताब्दी में बना था। इसे बुराकुमिन जनजाति के लोगों ने मिलकर बनाया था। इसे जापानी की सबसे छोटी जातियों में से एक माना जाता था। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, लोग इन्हें अपनाते नहीं थे और नीचा दिखाते थे। इनके पास कोई काम नहीं था और इनकी अनदेखी भी होती थी। ऐसे में इन लोगों ने चोरी, डकैती और जुए जैसे काले धंधे अपना लिए। ये जनजाति भी दो हिस्सों में बटी थी, बकूटो और टेकिया। टेकिया वर्ग के लोग चोरी डकैती से मिले सामान को बाजार में बेच दिया करते थे, वहीं बकूटो जुए के धंधे चला रहे थे। ये लोग धीरे धीरे पूरे जापान में फेमस होने लगे और इनके सदस्यों की संख्या भी बढ़ने लगी। आगे चलकर ये यकूजा के नाम से पहचाने जाने लगे। ये जापान के संगठित क्राइम सिंडिकेट है। यकूजा गैंग के लोगों पर जापानी सरकार की नजर तो पड़ी मगर उन्हें रोकने के लिए कुछ खास किया नहीं गया। ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ी और वो फिर चोरी डकैती की तक नहीं रुके, वो ब्लैकमेलिंग, अवैध निर्माण, प्रॉपर्टी डीलिंग, किडनैपिंग और वैश्यवृत्ति जैसे गैर कानूनी कामों में भी अपनी जगह बनाने लगे। इस तरह यकूजा जापान का सबसे खतरनाक गैंग बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त इस गैंग के सदस्यों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई थी। जापान सरकार ने खुद 2007 में बताया था कि वहां और दूसरे देशों में कुल 102,000 यकूजा मेंबर एक्टिवेट थे। ये सभी 2500 अलग अलग परिवार से संबंध रखते हैं, मगर ओयाबुन को जहां बड़ा गिलास भरकर दिया जाता है वहीं कोबुन को गिलास में थोड़ी ही शराब दी जाती है। ऐसा इसलिए कि ड्रिंक में आपका ओहदा पता चलता है, ड्रिंक ज्यादा मतलब स्टेटस में बड़ा। हालांकि इस गैंग के बहुत से नियम है जो इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। अगर किसी गैंग मेंबर ने कोई गलती की या दूसरे सदस्य के साथ गलत व्यवहार किया तो ऐसा करने वालों को अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली का अगला भाग काटना पड़ता है। ऐसा हर गलती पर करना पड़ता है। इसके अलावा यकूजा की पहचान भी काफी दर्दनाक है। और ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरण दंदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। जब भी बात अंडरवर्ल्ड की आती है तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम हमेशा आता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसके कहने से ही मुंबई का कमिश्नर तक बदल दिया जाता है। दाऊद इब्राहिम कास्कर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद इब्राहिम के माता पिता बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की पोजीशन पर थे। दाऊद को बचपन में ही अल्कोहल की आदत लग गई, जिस वजह से जब उसे इस काम के लिए घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो वो चोरी, लूट और ड्रग सप्लाई जैसे क्राइम्स को अंजाम देने लगा। दाऊद का कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दाऊद इब्राहिम ने अपना बचपन करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन को देखकर गुजारा।
दाऊद क्योंकि इन लोगों से प्रभावित था, इसी वजह से वो आगे जाकर करीम लाला के ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन उसके बाद दाऊद ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी अलग गैंग बना ली। 1980 तक दाऊद ने अपना नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सबसे ऊपर बनाए रखा। इसी वजह से दाऊद की पहुंच अब बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर गैम्बलिंग की दुनिया तक पहुंच गई थी। दाऊद का आतंक 80 के दशक में इतना बढ़ गया था कि वो अब लोगों को धमका कर फिरौती लेने लगा था। मुंबई पुलिस उसे पकड़ने के पीछे काफी दिनों से थी, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर दुबई भाग गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात दूसरे डॉन से हुई जिसका नाम छोटे राजन था। दोनों ने मिलकर भारत के बाहर से क्राइम को अंजाम दिया। दाऊद विदेश में बैठकर कई आतंक समूह और अपनी गैंग की मदद से भारत में कई क्राइम्स को अंजाम देता रहा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में कई जगह भारी बॉम्ब धमाके हुए। हालांकि इस धमाके के बाद छोटे राजन और दाऊद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती भारी दुश्मनी में बदल गई, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। वहीं समय समय पर भारत में दाऊद को लाने की मांग उठती रहती है और इस वजह से भारत पाकिस्तान पे प्रेशर बनाता रहा। लेकिन दाऊद भी अपने ठिकाने को लगातार बदलता रहा, जिस वजह से वो आज तक भारत की पकड़ में नहीं आ पाया। दाऊद ने कई बार अपने नाम और पहचान बदले हैं और इसके बाद क्राइम को अंजाम दिया है। दाऊद को लेकर कहा जाता है कि वो पुलिस से बचने के लिए कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवा चुका है। दाऊद के पास 4 पासपोर्ट हैं। कहा जाता है कि दाऊद की पकड़ आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तायबा से भी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दाऊद आतंकी ओसामा बिन लादेन को भी जानता था। 2003 में दाऊद को इंडिया और यूएसए द्वारा एक ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो दर्शकों, ये थी भारत के मोस्ट वॉन्टेड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी। ऐसी और कहानियां जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियो। GF3 को लेकर कहा जा रहा है कि रॉकी इस बार ना अमेरिका का रुख कर सकता है, जहां पे उसकी मदद अमेरिकन माफिया करेंगे। तो आखिर किस तरह का किरदार होगा इस अमेरिकन माफिया का, आइए जानते हैं। एल्सवर्थ रेमंड बम्पी जॉनसन का जन्म 31 अक्टूबर 1905 को अमेरिका के साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन में एक ब्लैक फैमिली में हुआ था। जब जॉनसन 10 साल का था तो उसके बड़े भाई विली पे एक व्हाइट आदमी की हत्या करने का आरोप लगा था। बम्पी के माता पिता को डर था कि कहीं मॉब लिंच ना हो जाए, इस वजह से ना उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया ताकि वो पैसा जमा कर सके और विली को सुरक्षित उसके रिलेटिव के यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में छोड़ सके। जॉनसन को बम्पी नाम उसके सर के पीछे मौजूद एक बम्प की वजह से मिला था। जैसे जैसे जॉनसन बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे ना उसके माता पिता जॉनसन के टेम्पर को लेकर काफी परेशान थे। जॉनसन वाइट्स के प्रति ना काफी बदतमीज होते जा रहा था, जो बात उसके माता पिता को परेशान कर रही थी। इसी कारण जॉनसन को हार्लेम उसकी बड़ी बहन मेबल के पास भेज दिया गया। हार्लेम न्यूयॉर्क के पड़ोस में स्थित एक शहर है। जॉनसन हाई स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया था और अनियंत्रित नौकरियां करने लगा था। ये वही वक्त था जब गैंगस्टर विलियम हेवेथ ने जॉनसन को नोटिस किया, जिसके बाद जॉनसन ने विलियम के लिए ना काम करना शुरू कर दिया और अपने क्राइम के करियर की शुरुआत की। जॉनसन नंबर यानी कि लॉटरी गेम की क्वीन कही जाने वाली सेंट क्लेयर का सहयोगी था। 1930 में जॉनसन क्लेयर का मेन लेफ्टिनेंट बन गया। सेंट क्लेयर और जॉनसन का मकसद था कि वो न्यूयॉर्क मॉबस्टर डच शुल्ट्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करे। इस लड़ाई में 40 लोगों के मर्डर के अलावा कई लोगों की किडनैपिंग भी हुई। वहीं कुछ ही वक्त में जॉनसन के लिए ना एक सौदे के साथ डच की टीम ये लड़ाई हार गई। इस लड़ाई में जॉनसन ने डच की हत्या कर दी थी। जॉनसन ने उस दौरान अपना गैम्बलिंग का भी धंधा बनाए रखा था। जॉनसन अब अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में फेमस हो गया था और लोग ना उसका सम्मान करने लगे थे। 1952 में जॉनसन की एक्टिविटी अमेरिका की मैगजीन जेट के सेलिब्रिटी सेक्शन में प्रकाशित हुई। हीरोइन की स्मगलिंग करने की वजह से ना जॉनसन को उसी साल 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2 साल बाद जेट के क्राइम सेक्शन के कॉलम में जॉनसन को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई कि जॉनसन अब आगे की अपनी जिंदगी ना जेल में बिताएगा। जॉनसन ने सैन फ्रांसिस्को की अल्कट्रास जेल में अपनी सजा पूरी की। हालांकि 1963 में जॉनसन जेल से पैरोल पे रिहा हो गया। जब जॉनसन रिहा हुआ तो उसका स्वागत करने के लिए ना लोगों की परेड खड़ी थी। जॉनसन अपनी जिंदगी में 40 से ज्यादा बार अरेस्ट हुआ था और करीब 2 बार उसे नारकोटिक्स की तरफ से जेल की सजा मिली थी। जॉनसन जब हार्ट अटैक से मरा तब उसके ऊपर ना ड्रग्स को लेकर कई चार्जेस लगे हुए थे। जॉनसन की मौत 62 साल की उम्र में 7 जुलाई 1968 को हुई। तो ये थी माफिया बम्पी जॉनसन की कहानी। इस तरह के क्राइम बॉस को
हम केजीएफ चैप्टर 3 में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से अलविदा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा आदमी है जिसके ऊपर ना जाने कितनी ही बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं और उसके पीछे पूरी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई, जहां उसको कई बार देखा गया है और उसके बारे में हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिलती है। वही दाऊद इब्राहिम के साथ वाली भी हमेशा खबरों में देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात रखने वाले हर एक आदमी को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है। लेकिन अगर उनके साथियों के किसी एक लेडी गैंगस्टर का नाम सामने आता है तो वो है रेशमा। रेशमा मेमो एक ऐसी लेडी गैंगस्टर के तौर पर मशहूर हुई जिसे अलग अलग क्राइम के लिए जाना जाता है। रेशमा मेमो दरअसल टाइगर मेमो की बीवी थी और शुरुआत में उसे क्राइम और गैंगस्टर के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन समय के साथ उसने अपने पति का साथ दिया और ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपने पति को मदद करने लगी। ये कपल दरअसल 1993 के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर भी जाने जाते। रेशमा मेमोन अपने खौफ के लिए पूरे मुंबई में मशहूर थी और ब्लैक फ्राइडे जैसे खतरनाक टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे भी दरअसल रेशमा मेमोन ही थी। उसका खौफ और उसका कहर इतना ज्यादा था कि मुंबई पुलिस ने दरअसल उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए 25,000 का कैश प्राइस रखा था, लेकिन इसके बाद भी बहुत कम लोग रेशमा मेमोन के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस के पास आते थे। उसे इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कर दिया था। ये कपल रेशमा मेमोन और टाइगर मेमो एक साथ दाऊद इब्राहिम के बहुत कामों में उसका साथ देते थे और ये भी माना जाता था कि दरअसल रेशमा मेमोन अलकायदा और लश्कर ए तोयबा जैसे खतरनाक टेररिस्ट एलिमेंट से भी ताल्लुकात रखती है। रेशमा मेमोन इतनी बड़े बड़े क्राइम के पीछे मशहूर थी, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसका खौफ और उसका डर बहुत ज्यादा फैल गया। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ही रेशमा और टाइगर दोनों ही मुंबई पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर है, लेकिन आज तक रेशमा मेमोन को पुलिस पकड़ नहीं पाई है और उसका ठिकाना कहाँ है और उसका अलग प्लान क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसे बड़े और मशहूर गैंगस्टर की कहानियों में रेशमा महमूद सबसे हटकर सामने आते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुंबई पुलिस अभी तक बहुत कम जानती है। तो क्या लगता है आपको, क्या केजीएफ चैप्टर 3 में हमें किसी ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में देखने को मिलेगा? ऐसी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती है और इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप? 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब धमाके का दोषी याकूब मेमन को 2015 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। याकूब मेमन का जन्म 30 जुलाई 1962 को मुंबई में हुआ था। वो अब्दुल रजाक मेमन के 6 बेटों में से तीसरा था। याकूब अपने पूरे परिवार में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। याकूब इंग्लिश मीडियम के स्कूल से पास हुआ और हायर स्टडीज के लिए बीकॉम की डिग्री हासिल की। बाद में वो 1990 में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बन गया। 1991 में याकूब ने अपने बचपन के दोस्त चेतन मेहता संग मेहता एंड मेमन एसोसिएट्स की शुरुआत की। ये कंपनी असल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म थी। हालांकि दोस्त के अलग हो जाने के एक साल बाद याकूब ने अपनी खुद की फर्म AR एंड सन्स खोली, जो कि उसके पिता के नाम पे थी। ये कंपनी इतनी सफल रही कि याकूब को बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मेमन कम्युनिटी द्वारा मिला। जल्द ही याकूब ने अपनी कंपनी तेज रात इंटरनेशनल की शुरुआत की, जो कि पर्शियन गल्फ में और मिडिल ईस्ट में मीट के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में शामिल थी। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर मिली सफलता के बाद याकूब ने माहिम दरगाह के पास स्थित एक बिल्डिंग के 6 फ्लैट्स में इन्वेस्ट किया। याकूब अपने भाई टाइगर मेमन और दाऊद को फाइनेंशियली असिस्ट करता था। 1993 में पूरी मुंबई धमाके से हिल गई थी। इस धमाके में 257 लोगों की जाने गई थी, जबकि 700 से भी अधिक लोग इस धमाके की वजह से घायल हुए थे। इस धमाके का मेन मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और याकूब मेमन का भाई टाइगर मेमन था। इस धमाके के बाद जहां टाइगर देश छोड़ के पाकिस्तान भाग गया था, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 1994 में याकूब को पूरे परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। याकूब के खिलाफ हमले में मदद करने और उकसाने के लिए केस फाइल की गई। याकूब पर दोषियों के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराना, हमले में शामिल होने वाली गाड़ियों का इंतजाम करना जैसे आरोप लगे।
याकूब के द्वारा की गई दया की अपील के बावजूद कोर्ट ने उसे 2007 में फांसी की सजा सुनाई। याकूब को इस घटना के 22 साल बाद यानी कि 30 जुलाई 2015 को फांसी की सजा सुनाई दी गई। याकूब को जिस दिन फांसी दी गई उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। तो ये कहानी थी 1993 के मुंबई हमले के आरोपी याकूब मेनन की। एक सीए का ऐसा अनोखा अंत शायद ही किसी ने सोचा होगा। चल दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हमें एक से बड़े एक माफिया हुए हैं, लेकिन पाब्लो एस्कोबार जैसा कोई नहीं। पाब्लो एस्कोबार पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से कुख्यात था। पाब्लो इतना शातिर और खतरनाक था कि दूसरे खूंखार तस्कर भी उसको हफ्ता देते थे। इतना ही नहीं, दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए 16 अरब रुपए खर्च कर डाले थे। पाब्लो ने 1970 के दशक में कोकेन के कारोबार में कदम रखा था। इस दौरान उसने अन्य माफियाओं के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया। पाब्लो ने ड्रग्स के धंधे में काफी पैसा कमाया था। 80 के दशक में दुनिया भर के करीब 80% बाजार पर पाब्लो के मेडेलिन कार्टेल को भागीदार थे। इतने बड़े अवैध धंधे के कारण एस्कोबार के काफी दुश्मन भी थे। पाब्लो को मरवाने के लिए उसके दुश्मनों ने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर डाले, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। पाब्लो एस्कोबार के कारोबार में जिस किसी ने भी टांग अड़ाई, पाब्लो ने उसकी हत्या करवा दी। अपने दुश्मन की कार को बम से उड़ाना हो या फिर किसी बड़े नेता की जान लेना, पाब्लो के लिए ये सब मामूली बात हो गई थी। उसने पैसेंजर से भरी फ्लाइट तक को उड़वा दिया था। इतना ही नहीं, कोलंबिया का राष्ट्रपति बनने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट तक को बम से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पाब्लो ने करीब 4000 लोगों की हत्या करवाई थी, जिसमें करीब 200 न्यायाधीश और 1000 पुलिस, पत्रकार और सरकारी अधिकारी शामिल थे। पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि उसने ड्रग्स के धंधे में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी पूरी कमाई का 10% हिस्से को तो यूं चूहे ही कुतर गए थे। फिर उन्हें दीमक लग गई थी। एस्कोबार के पास इतना कैश था कि वो हर महीने करीब 2500 अमेरिकी डॉलर तो सिर्फ रबर बैंड पर ही खर्च कर देता था। पाब्लो की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कोलंबियाई सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खुद ही खास जेल तैयार कराई थी। इस दौरान उसने शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। पाब्लो एस्कोबार अमेरिका की जेलों में जाने से डरता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन अमेरिका की जेलों में ना बीते। इसके लिए पाब्लो ने अमेरिका के सामने कोलंबिया के पूरे कर्ज को उतारने की पेशकश तक कर दी थी। बदले में उसने प्रत्यर्पण कानून में बदलाव की मांग भी की थी। पाब्लो को 44 साल की उम्र में गोली मार दी गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की जेल में नहीं जाना चाहता था। और ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय करंगदूर अपनी अगली फिल्म KGF 3 में, जिसमें एक गैंगस्टर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग करके एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। ये कहानी है दोस्तों जर्मनी के नामी गैंगस्टर कार्लोस लेदर की। 1949 में जन्मे कार्लोस लेदर के पिता एक इंजीनियर थे और उसके माँ हाउसवाइफ थी। कार्लोस के 3 भाई भी थे। अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद लेदर बुरी संगत में पड़ जाता है और यहीं से वो अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है। लेदर ने कार्स को चोरी करना और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो अमेरिका और कनाडा के बीच चोरी की कार्स की तस्करी भी शुरू कर देता है। लेकिन उसका ये धंधा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जेल में अपनी सजा काटते समय वो डिसाइड करता है कि अब वो कार की तस्करी नहीं बल्कि कोकेन के बढ़ते बाजार का लाभ उठाएगा। और वही जेल में वो जैन नाम के एक लड़के को अपना पार्टनर बना लेता है। जेल में रहते हुए लेदर ने कोकेन बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली, जो उसके लिए उपयोगी हो सकती है। इसके साथ ही वो मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालता था। लेदर और जैन ने जेल से रिहा होते ही नशीली दवाओं की तस्करी का एक छोटा सा धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने 2 अमेरिकन लड़कियों को हायर किया जो उनके लिए कोकेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती थी। देखते ही देखते उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद वो एक प्लेन को भी चुरा लेते हैं और एक प्रोफेशनल पायलट की मदद से वो अमेरिका में कोकेन का बिजनेस करना शुरू कर देते हैं।
अब प्लेन की हेल्प से वो दूर दूर तक आसानी से कोकेन को ट्रांसफर कर पा रहे थे। इससे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉफिट तो हो ही रहा था, साथ ही उनका कोलंबियन सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट भी बन रहा था, और अब अमेरिका में उनके कोकेन बिजनेस को लेकर अच्छा खासा नाम हो गया था। 1970 के दशक में लॉस एंजलिस, लास वेगास, न्यूयॉर्क, मायामी जैसे और भी कई शहरों के लोग ड्रग्स को एक नेसेसिटी की तरह लेने लगे थे, और इसलिए कोकेन की मांग और भी बढ़ गई थी। कुछ समय बाद आपसी रंजिशों के चलते लैदा और जैक अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपना बिजनेस जारी रखता है और दूर दूर तक कोकेन की स्मगलिंग करता है। 1970 के एंड तक यूएस में जितनी ज्यादा कोकेन की डिमांड थी उतने ही ज्यादा सप्लायर्स भी थे, इसलिए हर एक सप्लायर्स ने अपनी अपनी टेरिटरी मार्क कर ली थी। 1978 में लैदर को उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मिलती है, जब लैदर को बहामास के एक आइलैंड के बारे में पता चलता है। इस आइलैंड पर वो अपने कोकेन की सप्लाई करने लगता है, साथ ही उसके प्लेन की लैंडिंग के लिए भी वहाँ पे अच्छी खासी जगह थी। इसके बाद उसके लिए ये बिजनेस और भी ज्यादा आसान हो जाता है। वो कोकेन को इजीली ट्रांसपोर्ट कर रहा था और देखते ही देखते वो एक बिलियनियर बन जाता है। कुछ समय बाद वो कोकेन के बिजनेस के राजा एस्कोबार के साथ मिलकर एक्सट्रेडिशन के खिलाफ कैंपेन करने लगता है। उसके बाद वो नेशनल लैटिनो मूवमेंट शुरू करते हैं, जिससे उन्हें 3 कांग्रेशनल सीट्स मिलती है, जिसमें से एक तो एस्कोबार को ही मिलती है। लेकिन 1984 में कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर की हत्या हो जाती है, और ये हत्या एस्कोबार के ही एक आदमी के हाथों होती है, जिसके बाद एस्कोबार को कांग्रेस से हटाने की बातें शुरू हो जाती है, जिससे कि एस्कोबार का प्रेसिडेंट बनने का सपना भी टूट जाता है। साथ ही इस घटना से अब कोकेन के बिजनेस पर भी असर पड़ने वाला था। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने एक्सट्रेडिशन के लिए हर एक इंडिविजुअल की लिस्ट मंगाई थी, और जिसमें लैदर का नाम भी शुमार होता है। सरकार लैदर के सभी बैंक अकाउंट्स को सील कर लेती है, और वो बिलियनेयर से सीधा आ जाता है बैंकरप्ट वाली लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, पुलिस से बचने के लिए लैदर जंगलों में छुप जाता है, जहाँ उसकी खाने पीने की व्यवस्था एस्कोबार ही कराता है। लेकिन लैदर को वहाँ कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसके बाद